पापियों को पाप से दार दी, श्री भागवत भगवान की है और दी। पापियों को पाप से दार दी, श्री भगवान की और दी। पापियों को पाप से दार ये अमर ग्रंथिये मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला। ये अमरी कंतिये मुक्ति बंदिये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ज्ञान यही हरि नाम यही हरि जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की। ये मधुरी बोल सतबंधी घोल सन मार्गी बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल सतबंधी घोल सन मार्गी बताने वाला बंधी गोल सनमारी बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल सतबंधी गोल सनमारी बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है सर्वूर गौरम करणावतारम सदर सारम अभिजेन्द्र धारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितम नमः। त्वमेव माता जविता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सदा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रवणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जज्ञे नजनमय दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेहना कं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणः परमेश्वरः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और श्रीमद् भागवत कथा का प्रसाद स्वागत करें। आज कथा का विराम दिवस है तो आप सभी लोग बड़े श्रद्धा भाव से श्रीमद् भागवत कथा का रस स्वादन करें। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। रविशम रविशम जय श्री राधे रविशम। Om
गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमत्कुंज विहारिणे नमः। श्री राधा वल्लभो जयते। श्री हित हरिवंश चंद्रो जयते। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभार पीतांबरादरुडबिं फलाधरोष्ठा पूडेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि त्वमहं न जाने। राधा करावचित पल्लव बल्लरीके राधा पदांग विलसन मधुरस्थलीके राधा यशो मुखर मत खगावलीके राधा विहार विपिने रमता मनो में वरहा पीडम नटवर वपुहु कर्णयोह कर्णिकारम बिभ्रद वासह कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद् गीत कीर्ति रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। वागर्थाविव संप्रक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ कनक बेल श्री राधिका सुंदर श्याम तमाल दोनों मिल जब एक भय श्री राधा वल्लभ लाल। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुवेक इनके पद वंदन किए ना सहि विघ्न अनेक। गुरुर ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुः देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोध्यमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री ब्रज सरकार की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री नीलकंठ महादेव की जय। श्री गोपेश्वर महादेव की जय। माता विंध्यवासिनी की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। नमः उमापतये हर 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 महादेव। अपने हृदय में श्री भागवत जी की कथा को विराजमान करने हेतु तथा श्री लाडली लाल सरकार, श्री राघवेंद्र सरकार, माता जानकी की अप्रतिहता भक्ति की प्राप्ति की इच्छा से हरि कथा के परम रसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज की स्तुति करते हैं। तत्पश्चात हम सभी आगे कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे। कहहि रिछ पति सोनु हनुमाना। कहहि रिछ पति सोनु हनुमाना। Yeah।
श्री हनुमंत लाल जू महाराज की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। अकारण गरुड़ा वरुणालय भक्त वांछा कल्प करो, अहेतुकी कृपा के निरंतर वर्षा करने वाले श्री लाडली लाल सरकार, श्री राघवेंद्र सरकार, माता जानकी, जिन्होंने अपार करुणा कृपा करके हम सभी को ये मनुष्य जीवन प्रदान किया और इस मनुष्य जीवन का परम लाभ श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात कि हम क्रम से 6 दिनों तक की कथा सुनते आए हैं। आज के दिन कथा विश्राम लेंगे। ये भागवत जी का जो सप्ताह क्रम है, तो भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की है कलयुगी जीवों पर, यदि जीव चिंतन और मनन पूर्वक 7 दिनों तक ही ये कथा सुने, 1 सप्ताह तक ही, तो मात्र इस 7 दिनों में ही कल्याण के मार्ग खुल जाते हैं। परंतु आवश्यकता है कि हमने जो भी कथा में सुना है उसका चिंतन करना आवश्यक है। और मुख्य बात ये है, कल्याण कब होगा हमारा? जब हम जितनी भी अच्छी बातें बताई जा रही हैं कथा में, जितनी भी ऐसी कथाएं हैं जो हमें भजन करने के लिए प्रेरणा दे रही हैं, भगवान के नाम का आश्रय लेने की प्रेरणा प्रदान कर रही हैं, ऐसे चरित्रों को हम समझें। ये कथा सुनने का मतलब ये नहीं कि हमने यहाँ पर बैठकर 4-5 घंटे कथा कह दी, आप लोगों ने बैठ के सुन ली, ये तो हो गया कि हम अपने कानों की खुजली मिटा रहे हैं, बस कथा नहीं सुन रहे हैं।
कथा कब सुनना होता है? जब वास्तविकता में हम जो सुन रहे हैं वो हमें पता हो हम क्या सुन रहे हैं, भागवत जी हमसे क्या कह रही है, चरित्र के माध्यम से क्या कहना चाह रही है भागवत जी। कई सारे चरित्र आए हैं जिनके माध्यम से, और कई सारे क्या जितने चरित्र हैं भागवत जी में, वे सब के सब चरित्र बस यही हमें ज्ञान दे रहे, यही प्रेरणा दे रहे हैं कि मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। और उसके बाद भी भगवत कथा यदि प्राप्त हो जाए, सत्संग प्राप्त हो जाए, फिर तो सौभाग्य का कुछ कहना ही नहीं है। अब श्री जी ने अपनी तरफ से तो कोई कसर नहीं छोड़ी है हमारे कल्याण के। श्री जी ने कृपा पूर्वक मनुष्य जन्म दिया, भारतवर्ष में दिया। भारतवर्ष की कितनी महिमा है इसे बताने की आवश्यकता ही नहीं है। और भारतवर्ष में जन्म देने के पश्चात इतने सहज भाव में कथा प्रदान कर रहे हैं। श्री जी ने तो आपके कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए मार्ग खोल दिया, मार्ग बता दिया कि ये है मार्ग, इस मार्ग से चलकर तुम मुझ तक पहुंच सकते हो। लेकिन अब ये हमारी पात्रता है, हमारा चिंतन है और हमारा विचार है कि हमें अपना कल्याण करना है या नहीं, या फिर हमें ये संसार में ही रहना है, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, संसार के लोगों से आसक्ति रखना, बंधन में पड़ना। यदि किसी को अच्छा लगता है तो वो कथा ना सुने, परंतु यदि कोई जिज्ञासु हो जिसके हृदय में ऐसी इच्छा हो कि हमें कथा सुननी है, अपना कल्याण करना है, इस बार मनुष्य जीवन मिला न जाने अगली बार मिले या ना मिले, ऐसी इच्छा रख करके जो कथा सुनना चाहता है तो उसने जितनी भी कथाएं सुनी उन सभी का चिंतन करें। अब हम सभी कथा में प्रवेश करते हैं, वैसे भी बहुत विलंब हो गया है। कल तक की कथा में हमने श्रवण किया कि श्री रुक्मिणी जी का विवाह भगवान के साथ हुआ। अब सुखदेव जी महाराज आगे की लीला में प्रवेश कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्रागरुद्र मन्युना देहोपपत्तये भूयस तमेव प्रत्यपद्यत। कामस्तु वासुदेवांश दग्ध प्रागरुद्र मन्युना, आपने ये कथा सुनी होगी कि जब माता पार्वती का जन्म हुआ तो उस समय तारकासुर के वध के लिए उसे ऐसा वरदान प्राप्त था कि शिव जी का पुत्र ही उनका वध कर सकता है। तो माता पार्वती से शिव जी का विवाह कराने के लिए देवताओं ने बड़े प्रयास किए। इसमें एक बार कामदेव को भी भेजा था, तो कामदेव पूरी सेना लेकर पहुंचे, लेकिन जैसे महादेव पर बाढ़ चलाने लग गए तो महादेव के क्रोध रूपी अग्नि में जलकर ये भस्म हो गए। तो इनकी पत्नी जो रति थी, इन्होंने महादेव से निवेदन किया कि हे महादेव, अब हमारे पति तो आपके क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए क्योंकि इन्होंने आपका अपराध किया है, अब मैं किसके सहारे रहूं। तब महादेव ने कहा, आप चिंता मत करिए, द्वापर में जब भगवान का अवतार होगा, कृष्ण अवतार होगा, तो भगवान के सबसे बड़े पुत्र प्रद्युम्न जी के रूप में आपके पति देव अवतार लेंगे। तो कामदेव श्री प्रद्युम्न जी के, कामस्तु वासुदेवांशो भगवान के अंश और श्री कामदेव के अंश, भगवान के प्रथम पुत्र हुए जिनका नाम श्री प्रद्युम्न पड़ा, प्रद्युम्न इति विख्यात। बोले श्री प्रद्युम्न जी महाराज की जय। अब एक शंबरासुर नामक दैत्य असुर था, इसको शाप था कि इसकी मृत्यु भगवान के पुत्र के हाथ होगी। अब जब इसे पता चला कि
द्वारिकाधीश के पुत्र हुए हैं। तो इसने रूप बदलकर महल में प्रवेश किया और अभी इनकी 10 दिन की अवस्था थी, उसी अवस्था में इन्हें लेकर के शंबरासुर चला गया। अब ये जब लेकर जा रहा था तो मार्ग में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कि अरे शंबरासुर, ये क्या कर रहे हो तुम? इस नन्हे से बालक की हत्या कर रहे हो, बताओ तुम्हें कितना बड़ा अपराध लगेगा? बोले महाराज, ये नन्हा बालक नहीं, बड़ा होकर ये मेरा काल बनेगा। मुझे ऐसा शाप है कि श्री कृष्ण के पुत्र के हाथों ही मेरी मृत्यु होगी। तो नारद जी ने कहा, देखो यदि तुम मारोगे तो जग में तुम्हारी बड़ी अपकीर्ति होगी। बोले मुझे उसकी चिंता ही नहीं है, कौन सी वैसे भी मेरी बड़ी अच्छी कीर्ति है। बोले वैसे तुम्हारी कोई अच्छी कीर्ति नहीं है, लेकिन बालक के हत्यारे जब बन जाओगे तो असुर लोग भी तुम्हारी अपकीर्ति गाएंगे, कहेंगे बताओ कैसा असुर है ये भी, क्योंकि असुर भी थोड़ा बहुत धर्म को मानते ही है, और ये तो अभी नवजात शिशु, इसका तुम वध करोगे। बोले फिर क्या करें, ये तो मेरा काल है। बोले एक काम करो कि तुम यहीं से समुद्र में फेंक दो, और समुद्र में इतने बड़े बड़े जीव होते हैं, कोई ना कोई से खा ही जाएगा, तुम्हारा काल भी नष्ट हो जाएगा, उसकी भी मृत्यु हो जाएगी काल की भी, और तुम्हें तुम्हारे ऊपर कोई लांछन भी नहीं लगेगा, कलंक भी नहीं लगेगा। शंबरासुर ने कहा, वाह नारद जी, इसीलिए तो आप परम बुद्धिमान हैं, क्योंकि आप कितनी भी कठिन पहेली क्यों ना हो, कितनी भी कठिन बात कोई क्यों ना हो, क्षण भर में उसका समाधान कर देते हैं। अब शंबरासुर ने ऊपर से फेंक दिया, नीचे एक मछली थी, विशाल मछली, उसने प्रद्युम्न जी को अपने मुख में ले लिया। उसी समय कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे, तो वही मछली उनके जाल में फंस गई। अब जब मछली का पेट चीरा तो उनमें से प्रद्युम्न जी जीवित बच गए। तो फिर ये शंबरासुर के पास लेकर के आए, तो शंबरासुर के वहां जो कामदेव की पत्नी रति थी, वो मायावती के नाम से रसोईया बन के रहती, तब इन्होंने उस बालक को ले लिया। नारद जी ने बताया कि आपके पति कामदेव ही हैं, जो भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी के रूप में आए हैं। तब इन्होंने रसायन विद्या के द्वारा इन्हें बहुत शीघ्र ही बड़ा कर दिया और इन्हें कई सारी विद्याएं भी प्रदान की। इसके बाद जब ये बड़े हो गए तो प्रद्युम्न जी ने एक दिन कहा, क्योंकि इनका पालन पोषण प्रद्युम्न जी का रति जी ने ही किया था, बोले हे देवी, आप हैं हमारी माता के स्वरूपा, मातृ स्वरूप है हमारे लिए, लेकिन आपके जो हाव भाव हैं वो तो ऐसे लगता है जैसे आप हमारी धर्म पत्नी हो, ऐसा आपके हाव भाव है। तब रति जी ने बताया, भवान नारायण सुतः शंबरेडा हृतो गृहात् अहम् तेधिकृता पत्नी रतिः कामो भवान प्रभु। हे प्रभु, भवान नारायण सुतः, आप श्री वासुदेव श्री कृष्ण के पुत्र हैं और शंबरासुर के द्वारा आपका हरण हो गया था और शंबरासुर ने आपको समुद्र में फेंक दिया, फिर वहां एक मछली ने आपको निगल लिया और उस मछली को इन मछुआरों ने पकड़कर भेंट किया, जब पेट चीरा गया तो आप प्राप्त हुए। नारद जी के द्वारा मुझे इस बात का बोध हुआ, आप साक्षात कामदेव के ही अवतार हैं और मैं आपकी पत्नी रति हूं। तब इन्हें अपने पूर्व जन्म का बोध हुआ है। अब इसके बाद श्री प्रद्युम्न जी महाराज ने शंबरासुर का वध किया है और शंबरासुर का वध करके श्री रति जी के साथ द्वारिका में आए। इधर जब ये द्वारिका में प्रवेश कर रहे थे तो माता रुक्मिणी ने जैसे ही देखा इन्हें, तो मैया रुक्मिणी के हृदय में वात्सल्य उमड़ने लग गया। उन्होंने विचार किया कि आज मेरा पुत्र जीवित होता तो ऐसा ही होता। तब तक नारद जी पहुंचे और
नारद जी ने बताया कि देवी ये आपके ही पुत्र हैं। नारद जी ने सारी बात बताई। अब मैया रुक्मणी के प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं। मैया रुक्मणी दौड़े दौड़े गई और जाकर के प्रद्युम्न जी का स्वागत किया और अपनी पत्नी अपनी बहू को भी घर में बुलाया। बड़े प्रसन्न हुए कि बालक बड़ा होके आया, विवाह भी करके आया, विवाह की चिंता ही नष्ट कर दी। ऐसा बालक तो सबका ही हो। अब इस प्रकार से भगवान का प्रथम विवाह संपन्न हुआ। भगवान के अन्य विवाहों की चर्चा कर रहे हैं सुखदेव जी। आसी छत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। द्वारिका में छत्राजित नामक यदुवंशी रहता। कैसा है ये सूर्यो भक्तस्य परमः सखा। भगवान सूर्य नारायण के भक्त भी हैं और सखा भी। तो एक बार इनकी भक्ति से इनकी प्रीति को देख करके भगवान सूर्य नारायण बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के इन्हें स्यमंतक नामक मणि प्रदान की। अब ये स्यमंतक मणि जो थी ये नित्य स्वर्ण प्रकट करती और इस मणि को जो भी धारण करे उसका तेज सूर्य के समान हो जाए। एक दिन छत्राजित इस मणि को धारण करके द्वारिका की सभा में पहुंचा तो सबको पहले लगा कहीं अग्निदेव अथवा सूर्य नारायण भगवान तो नहीं आ रहे। लेकिन जब देखा छत्राजित ही ये है तो कारण पूछा। छत्राजित ने बताया ये इस मणि का प्रभाव है। यह मणि जो भी धारण करेगा उसके पास ऐसा ही तेज रहेगा। भगवान ने कहा देखो छत्राजित ऐसे मणि धारण करके यदि तुम घूमोगे तो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे लिए असुरक्षा रहेगी, तुम्हारी सुरक्षा पर संकट रहेगा क्योंकि कोई भी तुमसे मणि छीन सकता है। इसलिए मणि तो तुम अपने पास ही रखो, मणि का जो धन रहेगा अपने पास ही रखना, लेकिन मणि को तुम राजकोष में जमा कर दो। छत्राजित को लगा कि द्वारिकाधीश को मुझसे मात्सर्य हो गया। अब भला जिन भगवान का आश्रय लेने मात्र से मात्सर्य आदि दोष नष्ट हो जाते उन्हें भला मात्सर्य हो सकता है कभी। लेकिन छत्राजित को यही लगा। अब एक दिन की बात है कि छत्राजित का भाई प्रसेनजीत ये इसी मणि को धारण किया, स्यमंतक मणि को, और ये धारण करके मृगया करने गया शिकार के लिए। तो वहां पर एक सिंह ने इस पर झपट्टा मारा और उसकी मृत्यु हो गई। अब जब प्रसेनजीत बहुत समय तक नहीं लौटा तो छत्राजित ने क्या बात फैला दी कि श्री कृष्ण ने मणि के लोभ में मेरे भाई की हत्या कर दी। महाराज कीर्ति जल्दी फैले या ना फैले, अब कीर्ति बहुत जल्दी फैल जाती है। हर जगह यही बात होने लगी कि द्वारिकाधीश मात्सर्य भाव से प्रसेनजीत का उन्होंने वध करा दिया। भगवान ने कहा बताओ कैसा कलंक लग गया, जो काम हमने नहीं भी किया उसका भी कलंक लग गया। क्योंकि कहते गणेश चतुर्थी जो आती है वर्ष में, उस गणेश चतुर्थी की चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए क्योंकि उस चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन करने से अपार कलंक लगता है। भगवान ने उस चंद्रमा का दर्शन किया था। अब यद्यपि भगवान के ऊपर ये सारे नियम नहीं घटित होते हैं लेकिन भगवान ने जानबूझकर ये लीला की कि जो शास्त्रों के वचन है वो मिथ्या ना हो उसे स्वीकार किया भगवान ने। अब भगवान ने विचार किया अपने कलंक को मिटाना चाहिए तो कुछ समझदार मंत्रियों को लेकर के वन में प्रवेश किए। अब वन में जब प्रवेश किए तो वहां पर प्रसेनजीत मरा दिखाई पड़ा और उसका अश्व भी वहीं पड़ा था और वहां पर युद्ध के निशान थे। चिन्हों को देखकर पता चला कि किसी सिंह ने इनका वध किया है। अब सिंह के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए जब आगे बढ़े तो आगे जाकर के वहां सिंह भी मरा पड़ा हुआ था। वहां पर भी युद्ध का निशान। अब वहां से जो चरण चिन्ह थे वो किसी रीछ के थे।
अब उन चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए जब आगे बढ़े तो एक गुफा के पास जाकर के वो चरण चिन्ह नष्ट हो गए। भगवान ने कहा कि आप लोग यहीं पर रुकिए, एक पक्ष तक आप लोग यहीं पे मेरा प्रतीक्षा करिए, यदि मैं वापस नहीं आता हूं तो आप लोग चले जाइएगा। अब महाराज भगवान भीतर प्रवेश किए। जब भगवान ने भीतर प्रवेश किया तो भीतर एक कन्या उस मड़ी को लेकर खेल रही थी। भगवान ने जब देखा तो भगवान ने उस कन्या से कहा कि ये मड़ी मुझे प्रदान कर दो। भगवान को देखती वो चीख पड़ी। तब तक श्री जामवंत जी महाराज वहां पर आ गए और जामवंत जी ने आव देखा नताव सीधे भगवान से भिड़ गए। अब जब ये युद्ध करने लगे भगवान और जामवंत जी के मध्य 28 दिनों तक युद्ध चला। अब भगवान तो खेल रहे थे जामवंत जी के साथ, क्योंकि जामवंत जी की पूर्व की इच्छा थी कि भगवान से एक बार मेरे दो दो हाथ हो जाए। रावण से जब युद्ध हुआ था तो जामवंत जी के हाथों की खुजली नहीं मिटी, क्योंकि कोई ऐसा योद्धा ही नहीं था। रावण से भी युद्ध किया जामवंत जी ने तो एक घूसा में रावण भी मूर्छित हो गया जामवंत जी। अब भगवान की युद्ध कौशल को देख करके जामवंत जी के हृदय में इच्छा हुई कि एक बार रघुनाथ जी से दो दो हाथ हो जाए तो आनंद आएगा। राम जी ने कहा देखिए जामवंत जी, इस समय आप हमारे सेवक हैं, मैं आपका स्वामी, यदि इस समय आपकी इच्छा पूर्ण करता हूं तो मर्यादा नष्ट होती है, इसलिए अगले जन्म में मैं आपकी पूरी इच्छा पूर्ण करूंगा। अब इस बार अच्छे से इच्छा पूर्ण की। भगवान ने 28 दिनों तक बिना रुके युद्ध चलाया। अब भगवान ने एक जोर का घूसा जमाया जामवंत जी को, जब इनकी इच्छा पूरी पूर्ण हो गई और उसी एक घूसे में इनकी नस नस ढीली हो गई। अब जामवंत जी समझ गए कि ये कोई सामान्य नहीं हो सकता, क्योंकि सृष्टि में ऐसा कोई है नहीं जिसका एक घूसा मेरी नस नस ढीली कर दे, अवश्य श्री रघुनाथ जी हैं। तब ठाकुर जी से निवेदन किया कि प्रभु आप अपने स्वरूप में राम स्वरूप में हमें दर्शन दीजिए। ठाकुर जी ने इनके राम स्वरूप में दर्शन प्रदान किया है और बोले कि इस मड़ी के कारण मेरे ऊपर कलंक लगा है, इसलिए मड़ी हमें प्रदान कर दीजिए। जामवंत जी बोले कि मड़ी तो दे देंगे लेकिन सीधे नहीं देंगे। बोले फिर बोले कि हम आपको दहेज में देंगे, आपको विवाह के पश्चात भेंट में देंगे। बोले किससे विवाह करना है? बोले देखिए प्रभु, मेरी ये पुत्री जामवती है तो अब मेरी भी वृद्धावस्था हो गई, मैं कहाँ जाऊंगा इसके लिए वर ढूंढने के लिए, और यदि मान लीजिए मैंने ढूंढ भी लिया तो भला आपसे श्रेष्ठ वर कौन दूसरा मिलेगा, इसलिए आप कृपा पूर्वक आप हमारे जमाता बन जाइए और मेरी पुत्री को स्वीकार करिए। तब ठाकुर जी ने जामवती जी के साथ विवाह किया है और उस मड़ी को लेकर के आए। इधर जब इनका युद्ध चल रहा था तो एक पक्ष तक प्रतीक्षा करने के बाद सारे मंत्री द्वारका लौट आए और इधर भगवान की कुशलता के लिए इन्होंने देवी भागवत जी की कथा सुनी। अब पूर्णाहुति वाले दिन भगवान श्री जामवती जी के साथ आए और मड़ी लाकर के सत्राजित को प्रदान की। सत्राजित बड़ी ग्लानी हो गया, सारे चारों ओर सत्राजित की थू होने लग गई कि बताओ द्वारिकाधीश कितने निश्चल हैं और ऐसे निश्चल द्वारिकाधीश पर इस मूर्ख ने ऐसा अपराध लगाया, ऐसा लांछन लगाया। ये समाज भी ना बिना पेंदी की लोटी की भांति होता है, एक क्षण में उधर लुढ़केगा कभी इधर लुढ़केगा। जो अभी तक भगवान की निंदा कर रहे थे वो सत्राजित की करने लग गए। इसने विचार किया कि इस निंदा से मुक्ति चाहिए तो भगवान से संबंध जोड़ लो अपना। एक सत्राजित की पुत्री श्री सत्यभामा जी थी तो सत्राजित ने भगवान से निवेदन करके श्री सत्यभामा जी का विवाह भगवान के साथ किया। अब भगवान के तीन विवाह हो गए श्री जामवती जी के साथ और तीसरा विवाह श्री सत्यभामा जी के साथ। बोले जामवती रमण भगवान की जय, श्री सत्यभामा रमण भगवान की जय। अब क्या हुआ कि जब सत्यभामा जी का विवाह भगवान के साथ हो गया
तो कृतवर्मा आदि बड़े क्रोधित हुए और इन्होंने विचार किया, क्योंकि सत्राजित ने पहले इनके साथ ही वचन दिया था कि विवाह मैं आपके साथ ही करूंगा, तो इन्होंने आकर के सत्राजित का वध कर दिया। अब इस समय भगवान इंद्रप्रस्थ में थे। सत्यभामा जी रोती रोती पहुंची भगवान के पास, सारी बात बताई। भगवान ने तुरंत वहीं से प्रस्थान किया और दौड़ाकर इस दुष्ट का सुदर्शन चक्र से वध कर दिया, लेकिन इसके पास मणि प्राप्त नहीं हुई। तो पहले भगवान गए थे, तो यहाँ पे दाऊ जी को भी थोड़ा भगवान के ऊपर संदेह हुआ। अब देखिए, ये लीला चल रही है, यहाँ पे ये मत विचार करिएगा कि वास्तविकता है, सारी एक लीला का ही भाग है। दाऊ जी को भी संदेह हुआ, कहीं ऐसा ना हो कन्हैया अपने पास रख ले। दाऊ जी थोड़े दुखी हो गए और वहीं मिथिला में ही रुक गए। अब ठाकुर जी बड़े परेशान हुए कि मड़ी इसके पास भी नहीं है तो कहाँ है। अब इधर अक्रूर जी इसके साथ मिले हुए थे, इस कारण से अक्रूर जी मड़ी लेकर के काशी चले। तब भगवान अक्रूर जी के पास गए और अक्रूर जी से निवेदन किया कि हे अक्रूर जी, आप तुम्हारे बड़े प्रेमी हैं और आप भक्त भी हैं, इसीलिए आपके ऊपर ये शोभा नहीं देता। मैं आपसे मड़ी नहीं मांगता, मड़ी तो आप अपने पास रखिए, क्योंकि इस मड़ी को बहुत पूजन पाठ चाहिए, वो आप अच्छे से कर पाएंगे। बस आप जा करके स्वीकार कर लीजिए कि इस मड़ी को हमने चुराया, तो मेरे ऊपर का कलंक मिट जाएगा। तब अक्रूर जी ने द्वारिका में आके स्वीकार किया और भगवान के ऊपर से कलंक मिटा। अब जब दाऊ जी मिथिला में रुके हुए थे, तो इसी समय दुर्योधन ने दाऊ जी से गदा युद्ध की विद्या सीखी थी। इसी कारण से गदा युद्ध में दुर्योधन भीमसेन से भी अधिक अच्छा था, युद्ध कौशल इसके भीतर ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि दाऊ जी इनके गुरु, लेकिन बल में भीमसेन ज्यादा थे और धर्म के पक्ष में थे, इस कारण से विजय इनकी हुई। अब भगवान का चौथा विवाह कैसे हुआ, सुखदेव जी महाराज उसका वर्णन कर रहे हैं। एकदा पांडवान् दृष्टुम् प्रतीतान् पुरुषोत्तमः इन्द्रप्रस्थं गतः श्रीमान् युयुधानादिभिर्वृतः। भगवान एक बार इंद्रप्रस्थ गए हुए थे, तो भ्रमण कर रहे थे अर्जुन के साथ, तो यमुना जी के तट पर एक कोई देवी जी थी, वो तपस्या कर रही थी। भगवान ने अर्जुन जी को भेजा कि अर्जुन जाइए पूछिए कि किसकी तपस्या कर रही है। तो उस समय पार्थ अर्जुन गए और उन्हें पूछा कि देवी आप कौन है, अपना परिचय दीजिए और किसकी तपस्या कर रही है, किस लिए तपस्या कर रही है। तो कहती हैं, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदम् तपः परममास्थिता। हे अर्जुन, मैं सूर्य देव की पुत्री यमुना हूं और मैं भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में चाहती हूं और इसीलिए मैं उन्हीं की तपस्या कर रही हूं। अर्जुन जी ने कहा कि देवी, तब आपकी तपस्या पूर्ण हो गई है। बोले क्यों? बोले भगवान श्री कृष्ण तो यहीं पर विराजमान है। तब माता यमुना को लेकर के, माता कालिंदी को लेकर के भगवान के पास आए हैं और विधि विधान पूर्वक माता कालिंदी का विवाह श्री भगवान के साथ संपन्न हुआ। बोलिए कालिंदी रमण भगवान की जय। भगवान का पांचवा विवाह श्री मित्रविंदा जी के साथ, ये भगवान की जो राजाधिदेवी बुआ थी, उनकी पुत्री थी, इनकी बड़ी इच्छा थी कि भगवान से विवाह, लेकिन इनके पिताजी जानबूझकर अन्य किसी से विवाह करा रहे थे। स्वयंवर था, नाम का स्वयंवर, लेकिन पता तो था किससे विवाह करना है, उन्होंने पहले से चयनित करके रखा था इन्हीं से विवाह करना, लेकिन मित्रविंदा जी की इच्छा थी कि भगवान से विवाह करे। तब भगवान ने मित्रविंदा जी की इच्छा पूर्ण की है और स्वयंवर श्री मित्रविंदा जी का हरण कर लिया है और इसके बाद भगवान ने पांचवा विवाह श्री मित्रविंदा जी के साथ किया।
बोले शिव मित्र वृंदारमण भगवान की जय। भगवान का छठवां विवाह नागजीती जी के साथ हुआ, सत्या जी जिनका नाम था। ये अयोध्या के राजा थे नग्नजीती। तो इन्होंने ऐसी नियम करके रखा था कि इनके पास 7 बैल थे। उन 7 बैल और बड़े बलशाली बैल, उन्हें जी एक साथ नाथ ले, उनके साथ इनका विवाह होगा। अब सत्या जी से विवाह करने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपने प्राण गवा दिए। भगवान को जब ये बात पता चली, भगवान ने कहा ये तो गलत बात है कि उन बैलों को कोई नाथ भी नहीं सकता, एक साथ 7 बैल कैसे कोई नाथ है, और भयंकर बैल वो। तो भगवान ने दया करके भगवान वहां पर गए हैं। राजा नंदजीत ने भगवान का बड़ा स्वागत किया, बोले कि हे द्वारिकाधीश, क्या आप तो राजा हैं, क्या आप इन बैलों को नाथ पाएंगे? तो हमारे स्वामी श्री गोपालाचार्य जी कहते हैं कि इसमें पूछने वाली कौन सी बात है भाई, इनका तो बचपन से अभ्यास है, उसी वंश में इनका जन्म हुआ है, 3 वर्ष की आयु से गैया चरा रहे हैं, बैल नहीं नाच पाएंगे, इनके लिए कौन सी बड़ी बात है। तब भगवान ने एक साथ 7 रूप ग्रहण किए और 7 बैलों को खेल ही खेल में नाच दिया। तब राजा नंदजीत ने निवेदन किया कि अब आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। तब इस प्रकार से भगवान का छठा विवाह श्री नागजीती जी के साथ हुआ। बोलिए नागजीती रमण भगवान की जय। भगवान का 7वां विवाह श्री शुद्ध कीर्ति जी की पुत्री भद्रा जी के साथ हुआ। और भगवान का 8वां विवाह श्री लक्ष्मणा जी के साथ हुआ है। बोले श्री भद्रा रमण भगवान की जय। श्री लक्ष्मणा रमण भगवान की जय। अब इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। और भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए हैं। अब इसके बाद एक दिन की बात है कि महाराज एक दिन देवताओं की ओर से देवता निवेदन करने आए कि प्रभु, माता अदिति के कुंडल वरुण के छत्रों का नरकासुर नामक दैत्य ने हरण कर रखा है और उसने 16,100 कन्याओं को भी बंदी बना कर रखा है। उसने एक संख्या नियत की थी कि इतनी संख्या होने के बाद मैं इन सभी कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करूंगा और तब तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। 16,100 कन्याएं हो गई, कुछ कन्याएं और बाकी थी, बस कुछ हजार। तब भगवान ने विचार किया किसके ऊपर कृपा करनी चाहिए, इसका उद्धार करना चाहिए। ऐसा विचार करके श्री सत्यभामा जी के साथ भगवान भौमासुर से युद्ध करने के लिए गए। ये भूमि के पुत्र थे, इसने बड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की थी प्राग ज्योतिषपुर में। यदि सुरक्षा का वर्णन करें तो आज का विज्ञान भी शायद उस सुरक्षा के सामने कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसने जल की दीवारें खड़ी कर दी थी। बताइए आज का ऐसा कोई विज्ञान है जो जल की दीवार खड़ी कर दे, और जैसे फुवारे इत्यादि लगा के खड़े भी कर दें तो उसे बड़ी सहजता से कोई पार कर सकता है। लेकिन ऐसी दीवार इसने बनाई थी जिसे कोई पार नहीं कर सकता। प्राग ज्योतिषपुर का जो वर्णन आता है उससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि हमारा वैदिक विज्ञान जो है वह अत्यंत विकसित था, लेकिन हमने अपने वेदों को शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया। इस कारण से हम सभी ये नहीं जानते कि हमारे वैदिक विज्ञान की, हमारे प्राचीन भारतीय विज्ञान की क्या महिमा है। और इसी कारण से हम आज के विज्ञान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। मैं नहीं कहता आधुनिक विज्ञान श्रेष्ठ नहीं, अच्छा प्रगति कर रहे, अच्छी प्रगति कर रहे हैं, लेकिन हम अपने पूर्व विज्ञान को भी तो थोड़ा महत्वता दें, ये भी अत्यंत आवश्यक है। अब महाराज क्या हुआ कि भगवान युद्ध करने के लिए गए और युद्ध करते करते भगवान ने सभी दैत्यों का वध किया।
अंत में भौमासुर आया सामने। भौमासुर के साथ भगवान खेल ही खेल में युद्ध करने लग गए। अब भौमासुर ने एक बाढ़ का प्रहार किया और वो जाकर सत्यभामा जी को स्पर्श किया, सत्यभामा जी का रक्त निकला। तो सत्यभामा जी ने भगवान से कहा कि प्रभु आप क्या कभी से मजाक कर रहे हैं, इस दुष्ट का जल्दी से आप वध कर दीजिए। अब भगवान इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि सत्यभामा जी ये बात कहें, क्योंकि सत्यभामा जी माता पृथ्वी की अवतार है और ये भौमासुर ये नरकासुर जो है ये माता पृथ्वी का ही पुत्र है। हमने आपको बताया था तीसरे दिन की कथा में कि भगवान के श्वेत से भगवान के पसीने से इसका प्राकट्य हुआ था। तब माता पृथ्वी ने ये वचन मांगा था भगवान से कि प्रभु जब मैं कहूं तभी आप इसका वध करिएगा। अब यहाँ पे पृथ्वी स्वरूपा सत्यभामा जी ने जब ये बात कही कि प्रभु आप इसका वध कीजिए, तब भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र धारण किया और एक ही क्षण में इस दुष्ट का सिर काट कर अलग कर दिया। बोलिए सूर्य निकंदन भगवान की जय। मैया पृथ्वी ने आकर के भगवान की स्तुति करी, बोले प्रभु आपने कृपा पूर्वक इसके ऊपर कृपा ही की है, बहुत अच्छा कि प्रभु जो आपने इसे मार दिया, यदि आप नहीं मारते तो किसी संत के अपराध से मरता तो नरकों में जाता, लेकिन आपने कृपा पूर्वक अपने हाथों से मार कर इसे अपना धाम प्रदान कर दिया। इसके बाद माता अदिति के कुंडल लेकर वरुण के क्षत्र को लेकर भगवान सत्यभामा जी के साथ स्वर्ग पहुंचे। अब यहां स्वर्ग में देवराज इंद्र ने बड़ा दिव्य स्वागत किया। भगवान सत्यभामा जी के साथ स्वर्ग के नंदन वन में घूमने के लिए गए। वहां पे पारिजात वृक्ष को देख करके सत्यभामा जी मोहित हो गए और सत्यभामा जी ने कहा कि प्रभु आप इस वृक्ष को लेते चलिए। भगवान ने इंद्र से कहा कि इस वृक्ष को ले लो, दे दो, लेकिन इंद्र नहीं माने। तब भगवान और इंद्र के मध्य युद्ध हुआ और भगवान ने इंद्र को परास्त कर दिया, वध के लिए उद्यत हो गए। तो माता अदिति ने निवेदन किया, प्रभु आप छोड़ दीजिए, आपके छोटे भाई तो हैं, ये आपके ही स्वरूप है। तब भगवान ने कृपा पूर्वक इंद्र को छोड़ा और पारिजात लेकर द्वारिका में आ गए। इधर जो 16,100 कन्याएं थी, भगवान ने कहा कि आप बताइए आपका आप किस राज्य से हैं, आपके पिता का क्या नाम है। कन्याओं ने कहा प्रभु देखिए यदि मैंने बता भी दिया आप वहां भिजवा भी देंगे हमें, परंतु ये समाज हमें अब स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए हमारे पास दो ही मार्ग बचते हैं, या तो हम गलत मार्ग में जाएं अथवा हम अपने प्राणों का विसर्जन कर दें। तो प्रभु अपने वंश का अपने कुल का नाम तो कलंकित हम नहीं करेंगे, हम अपने प्राणों का ही विसर्जन कर देंगे। भगवान ने कहा आप चिंता मत करिए, आपको ये दोनों मार्गों पे जाने की आवश्यकता नहीं, आपको तीसरा मार्ग बताता हूं जिसका कोई नहीं होता है, जिसका कोई आश्रय नहीं होता, उसके लिए मैं होता हूं, क्योंकि भगवान तो सर्वभूत हृदय है, भगवान के लिए सभी समान है। भगवान ने कहा कि आप लोग द्वारका आ जाइए, मैं आप सभी को स्वीकार करूंगा। तब भगवान ने इन 16,100 कन्याओं के साथ एक ही मुहूर्त में एक ही समय में 16,100 रूप धारण करके इन सभी कन्याओं से विवाह किया है। अब इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अच्छा इसमें आश्चर्य कोई नहीं, क्यों? क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि भगवान की ही है, भगवान ही संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। अब जिस जिसने भगवान की प्राप्ति की इच्छा की, भगवान ने गीता जी में कहा ये यथा माम यो यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरी उपासना करता है उसी भाव से मैं उसे प्राप्त होता। तो इन 16,108 रानियों ने भगवान को पति रूप में चाहा, क्यों? क्योंकि हमारे ठाकुर जितने प्यारे हैं ना, भक्त जन बड़े भाव में कहते हैं कि मेरे ठाकुर जी का स्वरूप इतना सुंदर है, इतना सुंदर है,
कि यदि संपूर्ण विश्व की और विश्व की बात छोड़ी संपूर्ण ब्रह्मांड और जितने भी ब्रह्मांड इस ब्रह्मांड को छोड़कर हैं, उस संपूर्ण ब्रह्मांड की सुंदरता को एक जगह एकत्रित करें और उसके पश्चात भगवान से यदि तुलना की जाए तो भगवान के अनंत अंश की भी वो तुलना नहीं कर सकता। इसलिए भक्तजन बड़े भाव के साथ कहते हैं कि मेरे सरकार जो हैं, उनका दीदार यानी कि दर्शन अत्यंत प्यारा है। हमारे श्री कृष्ण जी बड़े प्यारे हैं, गोविंद जी बड़े प्यारे हैं। तो इसी भाव को एक भजन के माध्यम से श्रवण करेंगे। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरो प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा बड़ा प्यारा।
श्याम बिया तेरे बिन तड़फ जिया प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया तेरी यादों में तेरे के अंग मेरा सारा है तेरी यादों में तेरे के अंग अंग सारा है तेरी यादों में तेरे के अंग मेरा सारा है ओ तेरी यादों में तेरे के अंग मेरा सुंदर सरकार तो हमारे श्री ठाकुर जी का रूप ही ऐसा है कि जो एक बार इनके स्वरूप को देख ले फिर उसे दूसरा कोई रूप भाता ही नहीं ऐसा स्वरूप हमारे ठाकुर जी का। अब आगे एक बड़ी विशेष लीला है ठाकुर जी की गृहस्थ की लीला का वर्णन हो रहा है। एक दिन की बात है ठाकुर जी ने विचार किया कि हमारी जितनी भी रानियां हैं सब के सब थोड़ा सा कोप कर जाती हैं परंतु श्री रुक्मिणी जी आज तक कोप नहीं की चाहे मैं जितना ही भी कुछ भी कह दूं भगवान कुछ ऐसे कहते तो थे नहीं लेकिन कोई भी बात हो जाए रुक्मिणी जी को बिल्कुल भी कोप नहीं आता। तो भगवान ने विचार किया इस लीला का भी दर्शन करना चाहिए कि रुक्मिणी जी थोड़े कोप में आए तो कैसी लगेंगी। ऐसा विचार करके भगवान ने एक विशेष लीला रची। रुक्मिणी जी भगवान की चरण सेवा कर रही। भगवान ने कहा देवी मुझे लगता है आपके साथ गलत हुआ है। बोले प्रभु क्या गलत हुआ है। बोले देखिए मैं ना तो स्वरूप में बहुत अच्छा हूं काला कलूटा में सब कहते हैं काले काले और कोई मुझे सुंदर भी बनाता है कौन सुंदर श्याम सुंदर मतलब सुंदरता में मेरी काली माँ झलकती है ना कोई मैं विशेष सुंदर हूं ना ही कोई राजा हूं राजा भी उग्रसेन जी हैं और ना ही मैं कोई बलवान हूं। क्यों क्योंकि जरासंध के भय से देखिए मैं समुद्र के बीच छिप के रहता हूं कोई मैं बलवान भी नहीं हूं और कोई ऐसा उच्च वंशी भी नहीं हूं लेकिन आप तो रूपवती भी हैं उच्च वंशी भी हैं सब कुछ है आपका भाई भी बड़ा बलशाली है तो आप हमारी योग्य नहीं थी मैं आपकी योग्य नहीं था। भगवान इस प्रकार से परिहास कर रहे हैं। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि देवी अभी भी कोई बात बिगड़ी नहीं यदि आप कहें तो अभी भी जा करके मैं शिशुपाल से बात करूं और आपका शिशुपाल से विवाह करा दूं। परिहास कर रहे हैं भगवान। रुक्मिणी जी ने जैसे ही ये बात सुनी रुक्मिणी जी को लगा कहीं मुझसे कोई अपराध तो नहीं बन गया जो ठाकुर जी मुझे त्यागने की बात कर रहे हैं। ऐसा विचार करके श्री रुक्मिणी जी मूर्छित हो पड़ी। अब भगवान ने देखा कि मजाक ज्यादा भारी पड़ गया। भगवान ने तुरंत चतुर्भुज रूप धारण किया दो भुजाओं से रुक्मिणी जी को संभाला है एक भुजा से पंखा जल रहे हैं और व्यजन जल रहे हैं दूसरी भुजा से श्री भगवान श्री रुक्मिणी जी के ऊपर जल छिड़क रहे हैं। अब रुक्मिणी जी को जब चेतना आई रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु आप सत्य ही कह रहे हैं कि मैं आपके योग्य नहीं आप तो सबके योग्य है लेकिन मैं आपके योग्य नहीं भला आप कहां त्रिभुवन सुंदर त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम
रविकर गौरा वराम वरम धान। प्रभु कहां आपका त्रिभुवन कमनीय रूप, ये श्याम स्वरूप जो सबके मन को मोहित करने वाला है, और कहां मेरी सामान्य सी स्वरूप, इन दोनों में भला कहां समानता हो सकती है। और आपने कहा कि मैं कोई राजा भी हूं, तो प्रभु बताइए इस पृथ्वी में ऐसा कौन सी राजगद्दी है, कौन सा ऐसा राज सिंहासन है जो आपके योग्य हो, क्योंकि भगवान के रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड बसते, करोड़ों ब्रह्मांड बसते हैं। अब भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, तो ऐसे भगवान क्या ऐसे भगवान के लिए भला कोई राज सिंहासन बना है, कोई राज्य है। श्री रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु रही बात बल की, आपने कहा मैं बलवान नहीं, इसलिए जरासंध के भय से समुद्र के मध्य रहता हूं। तो प्रभु आप एक बात बताइए, जब बल की सीमा बताते हैं तो समुद्र की उपमा देते हैं, तो समुद्र जैसे बलशाली को भी आपने अपने नियंत्रण में कर लिया, और समुद्र के ऊपर भला कौन नगरी बसा सकता है, जो अत्यंत बलशाली हो वही ये कार्य कर सकता है। तो प्रभु आपके बल में भी संदेह नहीं, हो ना हो आप जो ये मुझे त्यागने की बात कह रहे हैं, आपको ये बात पता चल गई कि मैं आपके योग्य नहीं हूं, इस कारण से अपात्र जान के आप मेरा त्याग कर रहे हैं। भगवान ने विचार किया, मैं तो परिहास कर रहा था, ये बात इतनी गंभीर कैसे हो गई। मैंने विचार किया कि यहाँ पे रुक्मिणी जी का थोड़ा कोप प्रकट होगा, लेकिन यहाँ पे उनका विनय प्रकट हो रहा है। भगवान बोले कि देवी मैं आपसे परिहास कर रहा था, मैं आपका कोप देखना चाह रहा था, परंतु देवी आप ऐसा बिल्कुल भी मत विचार करिएगा, मैं आपका त्याग करूंगा, क्योंकि जितना प्रेम आप हमसे करती हैं उतना प्रेम मैं आपसे भी करता हूं, इसलिए देवी आप ऐसा बिल्कुल मत विचार करिए। अब आगे जो रुक्मी था, उसने रुक्मिणी जी की प्रसन्नता के लिए जो भगवान के पौत्र श्री अनिरुद्ध जी हैं उनके साथ अपनी पौत्री श्री रोचना जी का विवाह तय किया। अब जब विवाह का उत्सव चल रहा था, उसमें दाऊ जी गए हुए थे क्योंकि अनिरुद्ध जी का विवाह है, तो क्या हुआ कि दाऊ जी को चौसर खेलने नहीं आती थी, लेकिन बड़ी इच्छा थी इनकी खेलने की, सब लोग खेल रहे, दाऊ जी भी पहुंच गए। अब दाऊ जी ने पहले बाजी लगाई और पहली बाजी दाऊ जी जीत गए, खेलने नहीं आती लेकिन फिर भी सौभाग्य से जीत गए। तो रुक्मी आदि ने कहा कि नहीं 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 दाऊ जी आप हार गए, आप हार गए। दाऊ जी ने कहा हो सकता है हार गया हूं मैं, कोई मैं इतना अच्छा भी नहीं उस खेल में, कोई नियम हो जिसके अनुसार मैं हार गया हूं। बोले ठीक है। अब दूसरी बाजी और बड़ी लगाई, उसमें भी जीत गए दाऊ जी। अब इन्होंने फिर कहा आप हार गए, आप हार गए। दाऊ जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तीसरी बार दाऊ जी ने सबसे बड़ी बाजी लगाई, इस बार भी जीत गए दाऊ जी। अब जब इन्होंने फिर से ये बदमाशी की कि नहीं नहीं दाऊ जी आप हारे, दाऊ जी आप हारे, तो देवता भी ऊपर से लीला देख रहे हैं। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी कि आप लोग मिथ्या भाषण कर रहे हैं, पिछली तीन बार से दाऊ जी विजयी हो रहे हैं। अब दाऊ जी को ये बात पता चली तो दाऊ जी का कृपालु स्वभाव भला कौन नहीं जानता, थोड़े ही देर में कृपा कर देते हैं, क्रोध आ जाता दाऊ जी। दाऊ जी ने अपना मूसल उठाया और एक एक मूसल की कृपा सबके ऊपर कर दी, इसी में सबका गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब यहाँ पे बेचारे ठाकुर जी के लिए बड़ी दुविधा, क्यों? क्योंकि यदि दाऊ जी से कहते हैं कि दाऊ जी आपने गलत किया, रुक्मी को मार दिया, साले साहब को मार दिया, तो दाऊ भैया कहेंगे बहुत पत्नी वाला बन रहा है, और यदि कहें कि दाऊ जी आपने अच्छा किया तो रुक्मिणी जी को बुरा लगेगा, देखो मेरा भाई मर गया और ये कह रहा अच्छा हुआ। ठाकुर जी बड़ी दुविधा में पड़ गए, इसलिए ठाकुर जी ने कहा अब तो मेरा मौन है, जब तक सब कुछ निपट न जाए तब तक मैं मौन व्रत धारण करता हूं। अब इस प्रकार जैसे तैसे अनिरुद्ध जी और रोचना जी का विवाह संपन्न हुआ। दूसरा विवाह इनका उषा जी के साथ,
बाड़ासुर नामक एक दैत्य था। ये बलि जी का पुत्र है। बाड़ह पुत्र शतज्येष्ठो बलेरासिन महात्मनः येन वामन रूपाय हरये दायि मेदिनी। श्री बलि जी के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र बाड़ासुर, भगवान शिव की कृपा से इसे 10,000 भुजाएं प्राप्त थी और भगवान शिव साक्षात इसके नगर की रक्षा करते हैं। क्योंकि एक बार महादेव तांडव कर रहे थे तो इसने अपने 10,000 हाथों से कई सारे वाद्य यंत्र बजाए, तो महादेव बड़े प्रसन्न हो गए इससे। आशुतोष नाम है, आशु अर्थात शीघ्र, तोष यानी संतुष्ट होने वाले, तो आशुतोष महादेव प्रसन्न हो गए। और श्री महादेव ने कहा कि आप कुछ वरदान मांगिए। तो इसने कहा कि महादेव आप ऐसी कृपा करिए कि आप मेरे नगर की रक्षा में रहिएगा, कोई भी मेरे नगर में प्रहार करे तो आप रक्षा करिएगा। और आज तक कोई मुझे ऐसा योद्धा नहीं मिला जो मेरे युद्ध की इच्छा को मिटा सके, जो अच्छे से मेरे साथ युद्ध कर सके, कोई ऐसा योद्धा भी आप बताएं। महादेव ने कहा, अब इसकी इच्छा थी महादेव से युद्ध करने की, लेकिन ये सेवक इसलिए महादेव ने स्वीकार नहीं किया। महादेव ने कहा कि तुम्हारी जो ध्वजा है महल की, जिस दिन वो ध्वजा गिर जाएगी उस दिन समझ लेना कोई तुम्हें परास्त करने वाला आ जाएगा। अब क्या हुआ महाराज कि रोचना जी जो थी, उषा जी इसकी पुत्री, तो उषा जी को रात्रि में स्वप्न आया। इन्हें महादेव का वरदान था कि आपको जो पति प्राप्त होंगे वो स्वप्न में पहले दर्शन उनका होगा। तो इन्होंने स्वप्न में अनिरुद्ध जी का दर्शन किया। तो इनकी एक सखी थी चित्रलेखा नाम का, वो कल्पना से चित्र बना दिया करती थी। इन्होंने प्रातः काल उठ के सारी बात बताई अपनी सखी को कि ऐसी ऐसी बात है। सखी ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं चित्र बनाती हूँ, तुम बताना कौन है वो। तो पहले देवताओं के चित्र बनाए, फिर असुरों के, बोले इनमें से कोई नहीं, फिर मनुष्यों में बनाने लग गए, यदुवंशियों का बनाना प्रारंभ किया, भगवान का बनाया। जब प्रद्युम्न जी का बनाया था थोड़ी लज्जित हुई, बोली कि इनसे थोड़ी थोड़ी चेहरा मिलता है। चित्रलेखा जी समझ गई कि वो अनिरुद्ध जी ही हैं, तो अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया है, बोले हाँ यही है। तो चित्रलेखा जी माया भी जानती थी, तो ये माया के द्वारा द्वारिका गई। और इसमें भगवान की इच्छा थी, क्योंकि द्वारिका की रक्षा सदैव सुदर्शन चक्र करते थे और सुदर्शन जी के रहते कोई माया भी प्रवेश नहीं कर सकता उसमें। तो भगवान की ही इच्छा से चित्रलेखा जी अनिरुद्ध जी को लेकर के बाड़ासुर की नगरी में पहुंचे। और यहां पर बाड़ासुर की पुत्री के साथ उषा जी के साथ अनिरुद्ध जी रहने लग गए। तो सेवकों को संदेह हुआ तो बाड़ासुर से जाके बात सारी बताई। तो बाड़ासुर सीधे आ गया। तो समय है अनिरुद्ध जी चौसर खेल रहे, लेकिन जब उसने प्रहार किया तो अनिरुद्ध जी बहुत समय तक इससे लड़ते भी रहे, लेकिन ये मायावी था तो माया से इसने अनिरुद्ध जी को बंधन में डाल दिया। अब अनिरुद्ध जी जब बंधन में पड़ गए, इधर बहुत दिन बीत गया, अनिरुद्ध जी का कोई द्वारिका में पता पता नहीं। बहुत पता लगाया गया, मित्रों के वहां पूछा गया, संबंधियों के वहां पूछा गया, कोई पता नहीं चला, बड़े चिंतित सब लोग। तो नारद जी ने सारी बात बताई कि बाड़ासुर ने बंदी बनाकर रखा। तब ठाकुर जी अपनी पूरी सेना लेकर बाड़ासुर की नगरी पर प्रवेश कर दिए। शोड़ितपुर में प्रवेश किए और जैसे भगवान ने इसके नगरी की सीमा में प्रवेश किया, वो जो उसकी ध्वजा थी, राज्य ध्वजा थी, वो तुरंत गिर गई है। अब बाड़ासुर युद्ध करने के लिए आया। युद्ध करते करते एक ऐसी स्थिति आई कि अब लगा कि भगवान इसे मार ही देंगे। तब इसने अपनी कुल देवी का स्मरण किया, तो इनकी कुल देवी ने इनकी रक्षा की है। अब ये बेचारा
हताश तो हो ही गया था युद्ध में, तो इसने महादेव का स्मरण किया कि प्रभु आपने वचन दिया था कि आप रक्षा करेंगे आप आई। तो यहाँ पे महादेव ठाकुर जी के सामने आए। बड़ी विचित्रता है कि दोनों एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं, लेकिन भक्त के लिए एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। महादेव और ठाकुर जी युद्ध करने लग गए। जब ठाकुर जी ने महादेव के ऊपर जृंभास्त्र छोड़ा, ब्रह्मा जी ने कहा कि महादेव आप इस अस्त्र को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि ठाकुर जी जो अस्त्र चलाए महादेव उसका काट कर दे, भगवान ब्रह्मास्त्र चलाए तो महादेव भी चला दे, और कोई इन दोनों में अंतर तो है नहीं, दोनों एक ही हैं। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु इस धृम्भास्त्र को आप स्वीकार करिए, अन्यथा युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो महादेव ने उस अस्त्र को स्वीकार किया है और महादेव एक जगह बैठकर जम्हाई लेने लग गए। तो महादेव ने एक माहेश्वर ज्वर को छोड़ा है और ठाकुर जी ने वैष्णव ज्वर को छोड़ा। तो वैष्णव ज्वर और माहेश्वर ज्वर आपस में लड़ने लग गए। तो वैष्णव ज्वर के ताप के कारण माहेश्वर ज्वर अत्यंत जलने लग गया। तब इसने ठाकुर जी की शरण ली और चार श्लोकों में दिव्य स्तुति की। ये जो ज्वर की स्तुति है, यदि किसी को बहुत बुखार आ रहा हो और कहीं किसी उपाय से नहीं ठीक हो रहा हो, तो इस चार श्लोकों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक यदि सुनाए विश्वास पूर्वक, तो कई लोगों का ज्वर इससे सही भी हुआ है, और सही होता भी यदि आपकी श्रद्धा सच्ची है, विश्वास सही है, तब ज्वर ने भगवान की स्तुति करी। दसम स्कंद के 63वें अध्याय में 25 नंबर श्लोक से लेकर 28वें नंबर श्लोक तक ये चार श्लोक का पाठ करना चाहिए जब ज्वर की स्थिति हो। श्री भगवान ने ज्वर के ऊपर कृपा की और वैष्णव ज्वर को वापस बुला लिया। तब यही माहेश्वर ज्वर इस जगत में है। ज्वर का अर्थात होता है बुखार। तो ये जो माहेश्वर ज्वर है इस जगत में है, और इसी कारण से संपूर्ण जगत में ये बुखार इत्यादि होता है। अब इसके बाद भगवान शिव ने ठाकुर जी की स्तुति करी है। बाणासुर पुनः युद्ध के लिए आया। भगवान ने एक एक करके इसकी सारी भुजाएं काट दी, बस दो भुजाएं शेष रही। तब महादेव ने कहा कि प्रभु ये हमारा सेवक है, इसलिए आप इसका वध मत करिए, अब इसे अपनी भूल का पश्चाताप है। तब बाणासुर ने भगवान से क्षमा मांगी और भगवान वध भी नहीं करते, क्योंकि भगवान ने वचन दिया था प्रहलाद जी को कि आपके वंश में मैं किसी का भी वध नहीं करूंगा। तो बाणासुर के ऊपर भगवान ने कृपा की। बाणासुर ने श्री उषा जी का विवाह श्री अनिरुद्ध जी के साथ किया है। इस प्रकार से अनिरुद्ध जी का विवाह उषा जी के साथ हुआ। सुखदेव जी महाराज आगे एक नई लीला का स्मरण कर रहे हैं। एक मृग नामक राजा, तो ये गिरगिट बन करके द्वारिका के उद्यान के कुएं में पड़ा हुआ था। तो जब बालक खेलते खेलते पहुंचे और उन्होंने इतने विशाल गिरगिट को देखा, तो भगवान को बुलाकर लाए। तो भगवान ने इसे निकालने के लिए जैसे ही अपने कर कमलों का स्पर्श कराया, तो ये एक देव के रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा आप कौन हैं, तभी बताने लग गया मृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाको तनयः प्रभो दानिश्वाख्यायमानेषु यदीते कर्णमस्पृशम्। मैं नृग नामक राजा हूँ, इक्ष्वाकु राजा का पुत्र हूँ। यदि आपने कभी दानियों का नाम सुना होगा तो उसमें मेरा नाम अवश्य सुना होगा, क्योंकि जितने वर्षा के काल में जल की बूंदें गिरती हैं, जितनी भूमि में रज कण है, उतनी गऊं का मैंने दान किया। ये 1,00,000 गायों का दान करके जल पीते। भगवान ने कहा जब इतने गौ दान किए तो गिरगिट क्यों बने। बोले एक बार क्या हुआ, क्योंकि इन्हीं ब्राह्मण की गाय उनकी गौशाला से निकलकर हमारी गौशाला में आ गई, और उसी दिन मैंने वो दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब वो पहले वाले ब्राह्मण ने जब देखा कि ये हमारी गऊ लिए जा रहे हैं, तो वो कहने लगे हमारी गऊ हमें वापस करो, ये हमारी है। दूसरे ब्राह्मण ने कहा राजा नृग ने हमें यह दान की, इसलिए हमारी है। अब ये दोनों नृग के पास पहुंचे। राजा नृग ने कहा कि देखिए
दूसरे वाले ब्राह्मण से कि आप इनको इनकी गऊ लौटा दीजिए, इसके बदले मैं आपको 10 गऊएं दे दूंगा। बोले नहीं नहीं, जो हमने दान लिया मेरा तो एक में ही काम चल जाएगा, क्यों 10 लूं मैं। पहले वाले से बोले देखिए आप इनको अपनी गऊ दे दीजिए, मैं आपको इसके बदले 100 गऊ दे दूंगा। ऐसे ऐसे बोलते रहे, 100 गऊ दे दूंगा, 1,000, 10,000, 1,00,000 दूंगा। लेकिन इन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे अपनी ही गऊ चाहिए। जब नृग न्याय नहीं कर पाए तो ब्राह्मणों ने कहा कि राजन आप तो गिरगिट की भांति रंग बदल रहे, कभी कह रहे इनको दे दो, कभी कह रहे उनको दे दो। तो बारंबार जो आप गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, इसलिए जाइए आप गिरगिट ही हो जाइए। जब इनको श्राप लगा तो ब्राह्मणों से क्षमा मांगी, तो इन्होंने कहा भगवान के स्पर्श से आपकी मुक्ति होगी। तो आज भगवान ने इनके ऊपर कृपा की है। अच्छा एक बात देखिए, यद्यपि बहुत गऊओं का दान किया इन्होंने, बहुत बड़े दानी, गऊ दान महादान कहा जाता है, लेकिन इतना दान करने के बाद भी अहंकार नहीं गया इनके हृदय से। कैसे? कह रहे प्रभु यदि आपने दानियों का नाम सुना होगा तो उस पर शुचि में, उस पंक्ति में आपने हमारा नाम अवश्य सुना होगा। अपने दानत्व का, अपने दानी होने का इन्हें अभिमान अभी तक बना होगा। इसीलिए कहते हैं जब तक हम भगवान को कोई साधन समर्पित ना कर दें तो वो बस हमारे अहंकार का ही वर्धन करते हैं। इसलिए कोई भी साधन करे तो भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, तो उससे उस साधन का अहंकार नहीं होता है। दान सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन यदि वो भगवान को समर्पित नहीं किया जा रहा है तो वो दान भी बस अहंकार को ही बढ़ाएगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा भी है, तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः मंगला। बड़े से बड़ा तपस्वी, बड़े से बड़ा दानी, बड़े से बड़ा मननस्वी मंत्रविद्ता, बड़े से बड़ा सदाचारी, यदि अपने साधन को भगवान को ना समर्पित करे तो उसके बिना वो साधन भी इसका कल्याण नहीं करते, और यही साधन उसके भटकाव का कारण बन जाते हैं। अब आगे दाऊ जी एक बार ब्रज मंडल में आए हैं, यहाँ पे इन्होंने एक बार यमुना जी का स्मरण किया, लेकिन यमुना जी से प्रकट नहीं हुई, तो दाऊ जी ने अपने हल से यमुना जी का आकर्षण किया, खींचा अपनी ओर। इसी कारण से यमुना जी टेढ़ी मेढ़ी बहने लगी ब्रज में, क्योंकि दाऊ जी ने उसे खींच लिया था यमुना जी को। अब आगे भगवान ने पौंडरिक का वध किया है। कौन है पौंडरिक? ये स्वयं को भगवान मानता है, इसने अपने सेवक को भगवान के पास भेजा कि हे कृष्ण तुम नकली वासुदेव हो, असली वासुदेव मैं हूं। और इसने महाराज नकली सुदर्शन चक्र बनवाया था, नकली गदा, नकली शारंग धनुष और नकली गरुड़ भी बनवाया था इसने, सब भगवान जैसा स्वरूप धारण करता। बोले कि यदि तुम अपनी कुशलता चाहते हो तो अपने शस्त्र छोड़ दो। अब उस सेवक की बात सुनकर सब अय्यर वंशी हंसने लगे। भगवान ने सेवक से कहा कि तुम जाकर अपने महाराज से कहना कि द्वारिकाधीश अपने शस्त्र छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अपने शीश को तो लेकर आए, तभी तो उनके ऊपर मैं अपना सुदर्शन चक्र छोड़ूंगा। अब पौंडरिक बड़े क्रोध में आया और भगवान से युद्ध करने लग गया। भगवान ने खेल ही खेल में इसका भी उद्धार कर दिया। बोलिए दुष्ट निकंदन भगवान की जय। इनके मित्र थे काशीराज, वो भी आए, भगवान ने इनका भी उद्धार किया। तो इनके पुत्र थे सुदक्षिण, इन्होंने द्वारिका को भस्म करने के लिए कृत्या भेजी है, कृत्या भेजी। तो कृत्या जैसे द्वारिका को भस्म करने आई, तो मैंने पूर्व में ही बताया कि द्वारिका की रक्षा में सदैव सुदर्शन जी रहते हैं। सुदर्शन जी ने कृत्या को भस्म किया और कृत्या के साथ साथ ही जाकर के संपूर्ण काशीपुरी को भी भस्म कर दिया। अब आगे दाऊ जी ने द्विज नामक बानर का वध किया, ये भौमासुर का सखा था और पूर्व में श्री सुग्रीव जी का मंत्री था, लेकिन बड़ा उद्यमी हो गया था, इस कारण से दाऊ जी ने इसका उद्धार किया। बोले दुष्ट निकंदन भगवान की जय। अब आगे भगवान और जाम्बती जी के पुत्र सांब जी हुए, इनका विवाह श्री लक्ष्मणा जी के साथ हुआ, दुर्योधन की पुत्री। कौरवों ने इनका विरोध किया, इन्हें बंदी बना लिया।
तो दाऊ जी समझाने के लिए गए, लेकिन जब ये समझा नहीं, क्योंकि दुर्योधन एक बार में समझ जाए काहे का दुर्योधन, जब तक दुर्योधन को कोई अपना बल न दिखाए किसी की बात माने ही ना, दाऊ जी की बात की अवहेलना कर दी। दाऊ जी ने अपना हल लगाया और हस्तिनापुर को खींचने लगे गंगा जी की ओर। घबरा के सब लोग हाथ जोड़ के आए, बोले प्रभु क्षमा करिए, बालक की गलती हो गई। तो इसके बाद बड़ी विधि विधान पूर्वक श्री सांब जी और लक्ष्मणा जी का विवाह संपन्न हुआ। आगे श्री नारद जी महाराज ने भगवान के गृहस्थ का दर्शन किया और भगवान की नित्यचर्या, भगवान नित्य प्रातः काल उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, स्नान ध्यान इत्यादि करके प्रातः काल की संध्या करते हैं। इसके पश्चात ब्राह्मणों को दान करते हैं और दान करने के बाद अन्न जल ग्रहण करते हैं, फिर राज्यसभा में जाते हैं। नित्य नित्य की भांति भगवान एक दिन राज्यसभा में गए, तो वहां पर क्या हुआ कि जरासंध ने कई सारे राजाओं को बंदी बनाकर रखा था। अब उन राजाओं ने एक दूत को भगवान के पास भेजा और निवेदन कराया कि प्रभु अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा यह दुष्ट तो हमारा वध ही कर देगा। तब ऐसी चर्चा चली रही कि उसी समय श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ और नारद जी ने बताया कि इंद्रप्रस्थ में धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और उस यज्ञ का आयोजन वो आपके आश्रम में करना चाहते हैं, वो चाहते हैं आपका प्रतिनिधित्व रहे उसमें। भगवान ने कहा ठीक है, अब क्या करना चाहिए, दो दो जगह से संदेश आया, राजाओं ने भी बुलाया है और इधर इन्होंने भी बुलाया। उद्धव जी से पूछा कि उद्धव जी आप बताइए क्या करना चाहिए। तब उद्धव जी महाराज बता रहे हैं, यष्टव्यम राजसूयेन दिक्चक्र जयना विभो अतो जरासुत जय उभयार्थो मतो मम। प्रभु सबसे पहले आप राजसूय यज्ञ में जाइए और राजसूय यज्ञ में जाकर के आप वहां के चीजों को देखिए। अब राजसूय यज्ञ जब होता है तो सर्वत्र दिग्विजय करना पड़ता है, उसी क्रम में आप जाइएगा जरासंध के वहां और मगध देश में जाकर के जरासंध पे विजय प्राप्त कर लीजिएगा। भगवान ने कहा वाह उद्धव जी, इसीलिए आपको बुद्धि सत्तम कहा गया है, एक ही बात से दोनों बातों का समाधान कर दिया। अब भगवान सबसे पहले इंद्रप्रस्थ आए हैं और इंद्रप्रस्थ में आकर के भगवान ने युधिष्ठिर जी को सारी बात बताई है और श्री भीमसेन और अर्जुन जी को लेकर के पहुंचे हैं मगध देश। और कैसे पहुंचे, ब्राह्मण के वेश में, क्योंकि जब से भगवान को इसने परास्त किया था तब से ब्राह्मणों के प्रति इसकी बड़ी श्रद्धा हो गई थी। इसने विचार किया कि 17 बार हार गए इतनी बड़ी सेना लेकर, 18वीं बार यदि विजय श्री प्राप्त हुई तो ब्राह्मणों की कृपा है, ब्राह्मण जो भी मांगते वो उन्हें प्रदान करता। अब ये लोग भी ब्राह्मण का रूप बना कर गए, तो क्या हुआ महाराज, जरासंध ने देखा, पहले देखकर विचार कि ये कैसे ब्राह्मण, कि देखने में इनका शरीर तो क्षत्रियों की भांति लग रहा है। बोले बताइए ब्राह्मण आपको क्या चाहिए। तो भगवान बोले युद्धम नो देहि राजेन्द्र द्वंदसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयम् प्राप्ता राजन्यानान्नकांक्षिणः। हे राजेंद्र, यदि आप वास्तविकता में कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे युद्ध का दान दीजिए, हम युद्ध की इच्छा से ही आए हुए हैं। अब इन्होंने विचार किया कि ये कौन से ब्राह्मण, कि ब्राह्मण आते कहते हैं गौ चाहिए, धन चाहिए, भूमि चाहिए, अन्य चीजें चाहिए, लेकिन ये तो युद्ध मांग रहे हैं। बोले सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन है। भगवान मुस्कुराए, बोले कि ये माता कुंती के छोटे पुत्र महाराज पांडु के पुत्र अर्जुन हैं और ये महाबलशाली महाराज पांडु के पुत्र जिनके भीतर 10,000 हाथियों का बल, ये भैया भीमसेन हैं।
और मुझे तो आप भली भांति जानते हैं, हमारा आपका पुराना परिचय, मैं वही श्री कृष्ण हूं। अब जब बताया कि श्री कृष्ण जरासंध भयभीत, बोले पिछली बार तो जैसे तैसे ब्राह्मणों को जप पर बिठाकर इनसे विजय श्री प्राप्त कर ली, यदि इस बार ये भिड़ गए तब तो गोविंदाय नमो नमः कर ही देंगे। अर्जुन की ओर देखे, बोले ये तो अभी बालक है, अब सबके सामने तो ये नहीं कह सकते कि भय लग रहा है भगवान से, तो ये क्या कह रहा है कि देखो कन्हैया, तुम तो हो रणछोड़, तुमसे क्या हम युद्ध करेंगे, तुम फिर से रणछोड़ के भाग जाओगे, इसलिए तुमसे तो युद्ध करना नहीं। और अर्जुन अभी बालक है, हाँ भीमसेन मुझसे युद्ध कर सकता है, इसकी भुजाओं में बल है। अब युद्ध प्रारंभ हुआ महाराज, युद्ध होते होते एक पूरा दिन बीत गया, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इस प्रकार युद्ध होते होते 27 दिन बीत गए। भीमसेन बारंबार जरासंध को चीरते और फेंक देते, ये पुनः जुड़ जाता, बड़े परेशान हुए। भीमसेन की नस नस ढीली हो गई, बोले प्रभु अब यज्ञ हो या ना हो, युद्ध हो या ना हो, मैं तो अब चला इंद्रप्रस्थ, मेरी अब सामर्थ्य नहीं है मैं युद्ध कर पाऊं। ये जरासंध पता नहीं कितना बलशाली है, कितना इसे पटकता हूं, इतनी बार चीरता हूं, एक तो जुड़ जाता है, इसकी मृत्यु नहीं होती है, और दूसरा प्रभु इसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, लग रहा है आज इसने युद्ध प्रारंभ किया है। भगवान ने कहा देखिए भीमसेन भैया, आप युद्ध करते हैं तो ऐसे मस्त हो जाते, हमारी ओर देखते ही नहीं, और हमारी ओर नहीं देखते हैं, इसी कारण से इतने दिन से आप परेशान हो रहे हैं, अब कल युद्ध करिएगा तो आप मेरी ओर देखिएगा। अब ऐसे कह के भगवान ने अपने कर कमलों का स्पर्श कराया है उनके शरीर पर, भीमसेन जी की सारी पीड़ा तुरंत दूर हो गई और उनके अंदर पुनः बल आ गया। अब अगले दिन पुनः उत्साह के साथ पहुंच युद्ध करने। अच्छा, यहां एक और शिक्षा मिलती है कि हम भी संसार में ऐसे मतवाले हो जाते हैं, संसार के बंधनों में, इन कर्तव्यों में ऐसे डूब जाते हैं कि हम भगवान की ओर देखते ही नहीं है, भगवान हमसे क्या क्या, भगवान स्पष्ट सामने प्रकट होके तो कहेंगे नहीं, भगवान शास्त्रों के माध्यम से, गीता जी के माध्यम से, भागवत जी के माध्यम से, मानस जी के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, शास्त्रों पुराणों के माध्यम से हमसे क्या कह रहे हैं, हम ये नहीं सुन पाते, इसी कारण से हम हमेशा परेशान रहते हैं, कहते हमारे परेशानी का समाधान नहीं हुआ। भीम जी भी जब तक भगवान की ओर नहीं देखे, भगवान की बात नहीं सुनी, तब तक परेशान रहे, लेकिन अब जब भगवान की ओर देखें तो भगवान ने एक तिनका लिया, तिनका को चीरा और विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। भीमसेन समझ गए कि जरासंध को चीर कर विपरीत दिशाओं में फेंकना है, क्योंकि ये जरासंध का जब जन्म हुआ था तो इनके पिता जो थे, इनके पहले पुत्र नहीं हो रहा था, संतान नहीं हो रही थी, तो क्या हुआ महाराज कि श्री संत जनों की सानिध्य ले, ऋषियों की सानिध्य ले, तो ऋषियों ने एक फल प्रदान किया, बोले इसी फल को आप पा लीजिएगा। तो जरासंध की माता ने क्या किया कि उस फल को दो भागों में कर कर पाया, इस कारण से जो बालक प्रकट हुआ वो आधा आधा प्रकट हुआ। तो इस ऐसे बालक को देखकर ये दुखी हो गए और उस बालक को वन में फेंकवा दिया। उसी समय एक जरा नामक राक्षसी थी, उसने देखा कि आज तुम्हारे भोजन का प्रतिबंध भगवान ने स्वयं ही कर दिया, किसी को मारना ही नहीं पड़ा। मैं इसी जरा को ऐसी शक्ति थी इसकी कि जिस चीज को अपने हाथ में उठा ले वो अपने आप जुड़ जाती। अब इसने दोनों भागों को अपने हाथ में उठाया, तुरंत वो दोनों भाग आपस में जुड़ गए और ये बालक जीवित हो उठा, और इसने भयंकर गर्जना की। जरासंध ने जन्म लेते गर्जना को सुनकर जरा भयभीत हो रहे भाग गई बांध से। तब सबके सब आए हैं और उस बालक को पुनः जीवित देकर बड़े प्रसन्न हुए और लेकर गए। तो जरा के द्वारा इसकी संधि, इस कारण इसका नाम जरासंध पड़ा। अब यहां पर जब भीम जी ने इन्हें चीरते हैं तो उस जरा के कारण ही ये पुनः जुड़ जाते हैं, लेकिन जब अब विपरीत दिशाओं में फेंका तो अब विपरीत दिशाओं में कैसे जुड़ सकता है शरीर, इसलिए यहाँ पर जरासंध की मृत्यु हुई है।
बोले दुष्ट निकंदन भगवान की जय। अब भगवान ने राजाओं को मुक्त कराया, राजा भगवान की स्तुति करने लग गए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। हे गोविंद भगवान, हे कृष्ण भगवान, आपको बारंबार प्रणाम है, आपका प्रणाम ही आपका नमस्कार है, समस्त क्लेशों का तुरंत नाश करने वाला ये मंत्र जो है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। यदि आप किसी भयंकर संकट में हैं और उस क्लेश का कोई निवारण ना हो रहा हो, तो ये संकट नाशन मंत्र है। इस मंत्र का पाठ करने से वो संकट तुरंत कट जाता है। अब भगवान ने राजाओं को मुक्त किया और उनके राज्यों में भेजा। आगे भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। इस लीला को हमने पूर्व में सप्तम स्कंद में श्रवण किया था। अब आगे भगवान का शाल्व से युद्ध हुआ है, भगवान ने शाल्व का उद्धार किया, दंत वक्त्र और विदुरत का भी उद्धार किया। बोले दुष्ट निकंदन भगवान की जय। अब दाऊ जी एक बार तीर्थ यात्रा करने को गए तो नैमिषारण्य में स्वर्णकादिक ऋषि सूत जी से कथा सुन रहे। दाऊ जी को देखकर ऋषि तो खड़े हो गए, लेकिन सूत जी व्यासपीठ की मर्यादा के कारण नहीं खड़े हुए। दाऊ जी को लगा सूत जी ने मेरा अपमान किया है, तो एक तिनका उठाया और उसे अभिमंत्रित करके फेंक दिया। अब वो तिनका जैसे ही सूत जी को लगा, श्री सूत जी महाराज का धाम गमन हो गया। ऋषियों ने कहा कि दाऊ जी आपने ये क्या अपराध कर दिया, ये मर्यादा के कारण नहीं खड़े हुए थे, इनका कोई आपका अपमान करने का उद्देश्य नहीं था, आपसे अपराध बन गया, इसलिए अपराध की मुक्ति के लिए आपको तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी। बोले अब क्या कर सकते हैं, अपराध तो हो गया, आप कोई उपाय बताइए। बोले उपाय यही है कि यदि आप कोई हमें ऐसा वक्ता प्रदान कर दे जो हमें धर्म शास्त्र का उपदेश करे, तब तो हमारा नियम नहीं टूटेगा, अन्यथा नियम टूटेगा। तो इनके पुत्र जो थे, तो इनके पुत्र के सूत जी के पुत्र जो थे, सूत जी के पुत्र के भीतर ही बलराम जी ने कृपा करके सारा का सारा ज्ञान डाल दिया है। जितना ज्ञान इनके पास था, उतना ज्ञान इनके पुत्र उग्रश्रवा के पास भी आ गया है। तो उग्रश्रवा सूत जी ने ही फिर आगे की कथा सुनाई है, भागवत जी की कथा सुनाई है। और ऋषियों ने कहा कि एक बलवल नामक यहाँ दैत्य है, तो जब भी हम पूर्णिमा अमावस्या पर यज्ञ करते हैं तो वो बड़ा परेशान करता, आप उसका भी उद्धार करिए। तब दाऊ जी ने इस एलवल के पुत्र बलवल का उद्धार किया है। बोले दुष्ट निकंदन भगवान की जय। अब सुखदेव जी महाराज एक बड़ी विशेष लीला में प्रवेश कर रहे हैं, भक्त राज श्री सुदामा जी की लीला में। क्या कहते हैं, कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासी सखा कश्चित्, भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं। कैसे हैं, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, जाति से ब्राह्मण, ब्रह्मवित्तमः ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, विरक्त हैं। कैसे विरक्त, इंद्रियार्थ है, जितेंद्रिय है ये। यद्यपि है तो गृहस्थ आश्रम में, लेकिन गृहस्थ आश्रम में होते हुए विरक्त हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियों पे इन्होंने विजय प्राप्त कर रखी, इच्छाओं पे विजय प्राप्त कर रखी है। और कैसे है, प्रशांत आत्मा, सदैव शांत रहते हैं, चाहे कितनी भी बाहर दुविधा हो, इनका हृदय सदैव शांत रहता है। जितेंद्रिय, इंद्रियों पे विजय प्राप्त किए हैं। अच्छा, यहां पर लोग कहते हैं कि श्री सुदामा जी निर्धन थे, ऐसे थे वैसे थे, लेकिन सुदामा जी के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने निर्धन शब्द का प्रयोग नहीं किया। यहां पे ये नहीं बताया कि निर्धन थे, क्यों? क्योंकि सुदामा जी के पास भगवान का नाम रूपी धन
और सबसे बड़ा धन था कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी उन्होंने, वो विरक्त थे, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी विरक्त थे, सबसे बड़ी ये धन है। मोटी गणेश वाले महाराज जी जो थे उनके पास ही कोई साधक गए और उन्हें पूछा कि हे भगवान, आप कृपा पूर्वक ये बताइए कि मुझे कब तक भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बोले कि आप क्या क्या साधन, आपके पास कितना धन है। बोले धन के रूप में हमारा साधन ही है और मैंने अभी तक की अवस्था में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया, त्रिकाल संध्या करते हैं और सदाचार का पालन करते हैं, अन्य कोई साधन नहीं बनता। दुर्गा प्रसाद जी ये सुनकर रोने लग गए। बोले वाह, इतने घोर कलिकाल में, इतने घोर कलयुग में आपने पूर्ण ब्रह्मचर्य को धारण किया है, आपने सदाचार को धारण किया, आपने त्रिकाल संध्या करते हैं, इससे बढ़कर आप क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ा धन तो आपके पास है ही, जाइए आपको 6 महीने के अंदर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और वास्तविकता में उन साधक ने स्वयं बताया कि 6 महीने के बाद उन्हें युगल सरकार की अनुभूति हुई। संत जन कृपा कर देते हैं तो बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति हो जाती है, लेकिन स्वयं के हृदय में भी जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है। तो इस कथा को सुनाने का मूल जो हमारा भाव था वो ये था कि सबसे बड़ा धन है कि हम अपने पूर्ण सदाचार का पालन करते हैं, हम विरक्त हैं और श्री सुदामा जी के अंदर सबके सब गुण हैं जो ब्राह्मणों के बताए गए हैं, लेकिन सुदामा जी के पास आर्थिक विपन्नता तो थी ही। एक बार की बात है कि बहुत दिन हो गए इनके बालकों ने कुछ पाया नहीं, तो ठाकुर जी को बड़ी दया आई इनके ऊपर। ठाकुर जी ब्राह्मण का रूप बना कर आए और जो इनकी पत्नी है श्री कौमुदी, उनसे कहा, सुशील गुड़ थे इस कारण से इन्हें सुशीला भी लोग कहते हैं, तो श्री सुशीला जी जो है, इनका सुशीला नाम ही ज्यादा प्रचलित है इस कारण से सुशीला नाम को ही ग्रहण करते हैं। तो सुशीला जी जो थी वही घर पे थी, भगवान ब्राह्मण के रूप में आए और बोले कि आप हमें भिक्षा प्रदान करिए, भिक्षाम देही देवी। इन्होंने कहा कि हे विप्रराज, हमारे घर में सूतक लगा हुआ है। बोले कैसा सूतक? बोले हमारे वहां कन्या ने जन्म लिया है। बोले कब तक है? जब ये सूतक खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आ जाऊंगा भिक्षा लेने। बोले कि कोई सामान्य कन्या ने जन्म नहीं लिया है, हमारे वहां दरिद्रता रूपी कन्या ने जन्म लिया है और इसका सूतक हमेशा रहेगा। बोले दरिद्रता आपके वहां? हमने तो सुना है आपके स्वामी जो सुदामा जी हैं उनके द्वारिकाधीश मित्र हैं, फिर भला आपके पास कैसे निर्धनता हो सकती है? आप अपने स्वामी से कहिए कि वो द्वारिका जाए, वहां पे वो उनके ऊपर अवश्य कृपा करें। ठाकुर जी स्वयं तो कह नहीं सकते, इसीलिए ब्राह्मण के रूप में आए और ये प्रेरणा दी कि द्वारिका आई। अब सुशीला जी ने ये बात श्री सुदामा जी से कही। सुदामा जी ने कहा, देखो देवी, इतने दिन हुए कन्हैया से मिले हुए और यदि कन्हैया के पास मैं कोई इच्छा लेकर जाऊंगा तो ये उचित नहीं है। लोग कहेंगे कि सुदामा एक इच्छा से कान्हा के पास आया था, मेरी भक्ति में कलंक लगेगा। सुशीला जी ने समझाया, देखिए आप धन की इच्छा से मत जाइए ना, इतने दिन हो गए कि आपके हृदय में नहीं इच्छा होती कि मैं अपने कन्हैया का दर्शन करूं। सुदामा जी ने कहा, इच्छा तो बहुत होती है देवी, लेकिन क्या करूं, वो द्वारिकाधीश हैं, यदि जाऊं तो कुछ लेकर जाना होगा। बोले आप रुकी, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। सुशीला जी गई और कई जगहों से चावल मांग कर लाई और एक पोटली में बांधकर सुदामा जी को दी। अब सुदामा जी महाराज द्वारिका के लिए प्रस्थान किए, शरीर निर्बल है इस कारण से थोड़ी दूर बढ़े
और फिर उसके बाद थक गए तो एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। भगवान ने गरुड़ जी को आदेश दिया कि गरुड़ जी आप सुदामा जी को लेकर पुनः आ जाइए, द्वारका आ जाइए। अब गरुड़ जी गए और अपनी पीठ पर बिठाकर नींद में इनको द्वारका पहुंचा दिया। अब जब इनके नेत्र खोले, बोले हम सोए तो थे, यहाँ कोई नगर नहीं था, ये नगर कैसे आ गया? हो सकता है हम नगर में सोए हों, याद ना हो। पूछे भैया ये कौन सी नगरी है? बोले द्वारका। बोले सर द्वारका इतनी पास है, यदि हमें पता होती पहले कि द्वारका इतनी पास है हम रोज आ जाते कन्हैया के दर्शन के लिए। बोले कन्हैया का महल कौन सा है? बोले वो सबसे बड़ा महल जो है वो कन्हैया का ही है। तो कन्हैया के पास द्वार पर ये पहुंचे हैं और सुदामा जी महाराज द्वार पर पहुंचे हैं। द्वार पे जा करके श्री सुदामा जी महाराज द्वारपालों से जो निवेदन कर रहे हैं उसे हम एक भजन के माध्यम से श्रवण करेंगे, फिर मूल कथा का श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, हो कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। ओ मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, वो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, हो बार मोहन सिजा करके कह दो, एक बार मोहन सिजा करके कह दो, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले लगाया गले से सुदामा को मोहन, हो लगाया गले
को बहुत ही अजंबा, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। सुदामा जी महाराज की जय। श्री सुदामा जी महाराज ने द्वारपालों से निवेदन किया। अब द्वारपाल ठाकुर जी के पास पहुंचे और ठाकुर जी से बताया कि हे द्वारिकाधीश, द्वार पर कोई विप्र राज आए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है कि धारावाहिकों में, पिक्चरों में ऐसा दिखा देते हैं कि सुदामा जी जब पहुंचे हैं द्वारका में तो द्वारपालों ने उतना सम्मान नहीं किया, यही दिखाते हैं ना। परंतु द्वारका के प्रत्येक सेवक को, प्रत्येक द्वारपाल को आज्ञा प्राप्त थी कि यदि कोई ब्राह्मण आए और वो जो इच्छा करें बिना एक बार मना किए, कोई भी बात किए बिना उनकी बात को स्वीकार कर लेना और जो जैसा कहे उसी हिसाब से करना, अपनी बुद्धि उसमें कोई लगाने की आवश्यकता नहीं। सारे द्वारपालों को आज्ञा थी और ब्राह्मणों के लिए कहीं पे रोक भी नहीं थी, ब्राह्मण सीधे कहीं भी जा सकते थे द्वारिका में, चाहे महल की बात हो चाहे घर परिवार की बात हो, ब्राह्मणों के लिए कहीं नहीं रोक। अब महाराज श्री जब सुदामा जी आए हैं तो ब्राह्मणों ने निवेदन, द्वारपालों ने निवेदन किया कि हे विप्रदेव, आप आज्ञा करिए, आपकी क्या इच्छा है, आप जो आज्ञा करेंगे हम वो आपको प्रदान करेंगे, आपकी जो इच्छा है हम वो देंगे आपको। सुदामा जी ने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे तो बस कन्हैया से मिलना है। तब द्वारपाल बोले ठीक है हम जाते हैं। द्वारपाल आए हैं और ठाकुर जी से बताए हैं कि प्रभु इस समय द्वार पे एक ब्राह्मण आए हैं और वो आपसे मिलने की इच्छा कर रहे हैं, नाम पूछने पर अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी सुने तो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। ठाकुर जी ने जैसे ही ये बात सुनी, जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में ठाकुर जी दौड़े, मार्ग में दौड़ते दौड़ते पादुका भी ठाकुर जी ने निंदा हरण की,
क्योंकि इतना होश ही नहीं है, बस यही विचार है कितनी जल्दी सुदामा जी के पास पहुंचूं। द्वारिका में 7 द्वार हैं और उन पे बालू बिछी हुई है। मध्यान काल का समय तो बालू भी जल रही है, रेत भी जल रही है, क्योंकि रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। भगवान नंगे पैर दौड़े हैं मार्ग में। भगवान इतने विह्वल हैं कि कभी जाकर भगवान खंभे से टकरा जाते हैं तो भगवान के बाजू बंद कर गए। भगवान की इतनी विह्वलता है कि भगवान ने जो हार इत्यादि धारण की वे सब के सब गिरने लग गए भगवान के शरीर से। भगवान यत्र तत्र एकाध बार टकराए भी, से भगवान की पीताम्बरी विभूति भी फट गई और बस एक यज्ञोपवीत शरीर पर भगवान के नीचे बस फटी सी धोती धारण की। अर्थात भगवान सुदामा जी के पास किस अवस्था में पहुंचे? जिस अवस्था में सुदामा जी थे। भगवान ने विचार किया, यदि मैं राजा बन के जाऊंगा तो सुदामा को लगेगा, विचार सुदामा जी को वैसे ऐसी कोई बुरी बात नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी एक भेद तो हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा, और भगवान का वचन भी है, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्। मेरा भक्त जिस भाव में मुझको भजता है, जिस भाव में रहता है, उसी भाव में मैं जाता हूँ। तो भगवान भी सुदामा जी की अवस्था में पहुंचे और नंगे पैर दौड़ते हुए श्री सुदामा जी के पास पहुंचे। सुदामा जी को देखते ही भगवान रुदन करने लग गए और हे सुदामा कहते हुए दोनों हाथ फैला लिए। सुदामा जी ने भी भगवान का तुरंत आलिंगन कर लिया। बहुत देर तक गाढ़ आलिंगन करके दोनों मित्र मिलते रहे। न सुदामा जी ठाकुर जी को छोड़ रहे, न ठाकुर जी सुदामा जी को छोड़ रहे। थोड़े देर बाद ठाकुर जी ने विचार किया कि सुदामा थोड़े निर्बल हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भी अधिक तेज में दबा दूं, इन्हें पीड़ा हो, वेदना हो। सुदामा जी ने भी यही विचार किया कि मेरे शरीर की हड्डियां कहीं कान्हा के कोमल अंगों में ना चुभे, ये विचार करके थोड़ा विलग हुए और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके सीधे महल में आए। ठाकुर जी ने अपने सिंहासन पर विराजमान कराए सुदामा जी को और रानियों से कहा कि आप जाइए जल लेकर आइए। लेकिन जब भगवान ने सुदामा जी की चरणों की ओर देखा है तो नेत्रों से इतनी अश्रुधारा प्रवाहित हुई कि पूरे के पूरे चरण तो बस नेत्रों से ही धुल गए। भगवान अपने स्वयं कर कमलों से सुदामा जी के चरण कमलों को धुल रहे हैं और उस चरणामृत को पूरे महल में छिड़कवाया भगवान ने, सबने उसका पान किया है। इसके बाद बातचीत होने लगी। भगवान ने बात करते करते पूछा, और सुदामा भैया आपने विवाह किया? बोले हाँ, श्री जी कृपा से विवाह हुआ हमारा। आपकी एक सुंदर सी भाभी हैं, सुशील हैं, उनका नाम ही सुशीला पड़ गया, इतनी सुशील है। ठाकुर जी मजाक में बोले कि भैया आपने बुलाया नहीं हमसे विवाह किया। बोले अच्छा ठीक है, नहीं तुम बताओ तुमने विवाह किया। ठाकुर जी ने इशारा किया, ये जितनी दिख रही सब अपनी ही पत्नियां हैं। बोले इतनी, कितने विवाह किए तुमने? बोले 16108। बोले कन्हैया मैंने एक विवाह किया और नहीं बुलाया, तो तुम मुझसे बड़ी शिकायत कर रहे हो कि भैया आपने नहीं बुलाया, और तुमने 16108 विवाह किए, एक भी विवाह में मुझे नहीं बुलाया। ठाकुर जी बोले क्या बताऊं भैया, मेरे विवाह भी तो ऐसे ढंग से हुए ना, सुबह तक कोई पता ही नहीं कि विवाह होना है और शाम को बहू घर में बैठी, ऐसे ऐसे तो विवाह हुए, तो इसमें कौन किसको बुलाता मैं। अब चर्चा होते होते भगवान ने कहा कि भैया ये बताओ कि भाभी ने कुछ भेजा है हमारे लिए। अब ये सुदामा जी थोड़े संकुचित हो रहे हैं। सुदामा जी उस चावल की पुडली को छिपाने लगे, बाद घुमा रहे हैं। रानियों से कहा कि आप जानते हैं कि बचपन में कितने नटखट थे, इनकी लीलाओं के विषय में जानती हैं आप? ठाकुर जी ने कहा वो बहुत अच्छे से जानती हैं, रुक्मिणी जी हमारे गुरु को देख करके ही तो मोहित हुई थी। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर षड्वतां, प्रभो आपके गुणों को देखकर मैं मोहित हो गई, रुक्मिणी जी यही कह रही है। तो इनको भली भांति लीलाएं पता है, आप ये बताइए भाभी जी ने क्या भेजा।
बोले कन्हैया तुम्हें वो याद है? बोले क्या? जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे और एक बार मैं पाठ नहीं सुना पाया तो मेरा साथ निभाने के लिए तुमने भी पाठ नहीं सुनाया जबकि तुम्हें याद था। तो हम साथ में वन में लकड़ी लेने के लिए गए। बोले सारी बात पता है भैया। यहाँ पर लोग कहते हैं कि सुदामा जी ने भगवान का भाग पाया इसलिए इनको दरिद्रता आई, लेकिन बात ये गलत है। सुदामा जी ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे, इस कारण से उन्हें ये बात पता थी कि जो चने हैं श्रापित हैं। एक बुढ़िया के वो चने थे तो वो एक पोटली में बांध कर ले जा रही, तो चोरों ने उसे चुरा लिया। अब चोरों ने चुरा लिया, बुढ़िया ने हल्ला मचाया तो गांव के लोग आ गए, चोरों के पीछे लग गए। तो वे चोर यहीं सांदीपनी जी के आश्रम में छिप गए और उस पोटली को वहीं पर छोड़कर भाग गए। अगले दिन जब ये जाने लग गए वन की ओर तो माता गुरु माता ने उसी पोटली को प्रदान कर दिया। सुदामा जी ने विचार किया कि यदि इस चने को बाहर फेंकता हूं कोई जीव खाता है तो वो भी दरिद्र होगा, यदि वृक्ष हो जाता है तो अधिक से अधिक लोग होंगे, यदि कन्हैया को पवाता होता तो संपूर्ण ब्रह्मांड ही दरिद्र हो जाएगा, इसलिए इस दरिद्रता को मैं ही स्वीकार कर लेता हूं और इस जगत की रक्षा करता हूं। जो संत होते हैं ना वो सर्वभूत हिते रहता की भावना रखते हैं कि सबके कल्याण की भावना है, सबके कल्याण की भावना होती है उनकी। इसीलिए सुदामा जी ने वो चने पा लिए और दरिद्रता को प्राप्त हुए, गरीबी को प्राप्त हुए। अब महाराज क्या हुआ कि सुदामा जी ने तो बहुत छिपाने की कोशिश की तंदुलों को चावल को, लेकिन ठाकुर जी ने जैसे तैसे बात घुमा फिरा करके वो चावल छीन ही लिए। और जब ठाकुर जी ने उस चावलों को देखा है तो नेत्रों में अश्रु आ गया और धीरे धीरे करके ठाकुर जी ने एक मुट्ठी चावल पाया, फिर उसके बाद दो मुट्ठी पाया, तीसरी मुट्ठी जब जो आखिरी चावल बचा था उसे जैसे ही उठाया रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। यहाँ पे लोग भाव देते हैं कि रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु जब सब कुछ दे देंगे तो खुद सुदामा बनना चाहते हैं, लेकिन एक बात बताइए, जिन भगवान के रोम रोम से करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं क्या वो सुदामा जी के लिए एक लोक नहीं बना के दे सकते हैं? उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? तो क्यों रोका था रुक्मिणी जी ने? रुक्मिणी जी भी महाभागवत है, आचार्य है, भक्ति की आचार्या है, वे संतों के प्रसाद की महिमा भली भांति जानती है। इन्होंने विचार किया कि यदि ठाकुर जी अकेले सब पा जाएंगे तो द्वारिका वासी श्री सुदामा जी के प्रसाद से वंचित रह जाएंगे, तो ये प्रसाद सबको प्राप्त हो इसलिए भगवान को रोका। तब उस चावल को भंडार में मिलाया गया है और उसे खीर बनाकर पूरे द्वारिका में बांटी गई है। इस प्रकार श्री सुदामा जी महाराज बहुत दिनों तक वहां रुके, कुछ दिनों तक रुके। उसके बाद सुदामा जी ने कहा कन्हैया अब आज्ञा करो, वहां पे घर पे बाल गोपाल भी अकेले होंगे, तुम्हारी भाभी भी अकेले होंगे, इसलिए अब जाना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है भैया जाइए आप। अब महाराज श्री सुदामा जी महाराज ठाकुर जी से विदा लेकर के सुदामापुरी की ओर बढ़ने लग गए। इधर पीछे से भगवान ने विश्वकर्मा जी को भिजवा करके सुदामा जी की नगरी में दिव्य महल खड़ा करा दिया। मार्ग में विचार करते हुए जा रहे हैं सुदामा जी कि कहां मैं दरिद्र पापी और कहां श्री कृष्ण श्रीपति, कहां वो दीनवत्सल, कहां वो लक्ष्मीपति भगवान, हम दोनों में समानता कहां? लेकिन उन्होंने मुझे ब्राह्मण जान करके, अपना भक्त जान करके, अपने भाई जैसा प्रेम प्रदान किया, अपने सैया पर शयन कराया, अपने सिंहासन पर विराजमान कराया। अब महाराज श्री सुदामा जी महाराज ऐसा विचार करके अपनी सुदामापुरी जो आज जूनागढ़ नाम से है वहां पर पहुंचे और वहां पर देखा तो वहां का कायाकल्प ही बदल गया पूरा। जहां पे झोपड़ियां थी वहां पे बड़े बड़े महल स्वर्ण के खड़े हो गए, तो जहां पे अपनी झोपड़ी थी वहां देखा बहुत विशाल महल। द्वारपालों से पूछा भैया ये हमारी छोटी सी कुटिया थी, ये किसने कुटिया बना ली? बोले सुदामा जी की ये कुटिया है।
बोले सुदामा तो मैं ही हूँ। विचार क्या हो सकता है कोई सुदामा सेठ हो। बोले वो कहाँ पे, उन्हें बुला लीजिए। बोले कि वो अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका गए। बोले मित्र द्वारिका, मित्र कृष्ण से मिलने तो मैं ही गया था, कन्हैया से मिलने मैं ही द्वारिका गया था, लेकिन मेरी इतनी बड़ी कहाँ महल थी, मेरी तो छोटी सी कुटिया थी। ऐसी चर्चा चली रही थी कि सुशीला जी ने देखा अंदर से इन्हें और आकर के सुदामा जी को प्रणाम किया, सारी बातें बताई कि भगवान कृपा से सब कुछ हुआ है। सुदामा जी बोले देवी आपको धन चाहिए था वो मिल गया, अब मैं तो जा रहा हूँ वन में भजन करने के लिए। बोले स्वामी जब आप नहीं रहेंगे तो मैं यहाँ रह के क्या करूंगी, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तब तक ठाकुर जी भीतर से आए, बोले एक बात बताओ सुदामा भैया, ये महल फिर मैंने किसके लिए बनवाया है, सबके सब वन में चले जा रहे तो वन में मैं महल बनवाता, और आप चिंता मत करिए ये महल ये धन आपको भटकाएगा नहीं, क्योंकि ये मेरे प्रसाद से आपको प्राप्त हुआ है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। तब श्री सुदामा जी महाराज के साथ ठाकुर जी भी वहीं सुदामापुरी में विराजमान हुए, और आज भी जूनागढ़ में जहाँ सुदामा जी का महल है वहाँ पे दो चतुर्भुज भगवान, एक सुदामा जी दूसरे ठाकुर जी। तो इस प्रकार से भगवान ने श्री सुदामा जी के ऊपर कृपा की है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे 100 वर्षों के पश्चात सूर्य ग्रहण लगा तो प्रभासक क्षेत्र में वसुदेव जी ने यज्ञ महोत्सव किया। इस यज्ञ में सब आए, ब्रजवासी भी आए हैं। 100 वर्षों के बाद भगवान का ब्रजवासियों से दिव्य मिलन हुआ। इसमें बड़ी दिव्य दिव्य लीलाएं हैं, लेकिन समय का अभाव है इसलिए इन लीलाओं पर ध्यान नहीं देते, पुनः कभी चर्चा होगी तो इन लीलाओं की चर्चा करेंगे। भगवान की पटरानियां श्री द्रौपदी जी से मिली हैं। द्रौपदी जी ने पूछा कि आपका विवाह कैसे हुआ, सबने अपने अपने विवाह की कथा सुनाई है, और इस प्रकार से वसुदेव जी महाराज ने दिव्य यज्ञ महोत्सव किया। आगे एक बार श्री देवकी जी अपने पुत्रों के लिए दुखी हुई और बोली कि हे कन्हैया, तुमने सबके ऊपर कृपा की है तो मेरे पुत्रों को भी वापस लेकर आओ। तब देवकी जी के 6 पुत्रों को वापस लेकर आए हैं। देवकी जी ने अपने पुत्रों को स्तनपान कराया। इसके पश्चात आगे पुनः ये 6 के 6 पुत्र चले गए हैं। आगे श्री सुभद्रा जी का विवाह श्री अर्जुन जी के साथ संपन्न हुआ है। भगवान ने मिथिला में जाकर श्री श्रुतदेव जी और बहुलाश्व नामक जनक जी के ऊपर एक साथ कृपा की है, ये भी बड़ा दिव्य चरित्र है। भगवान सभी ऋषियों के साथ इनके पास गए और इनके ऊपर दिव्य कृपा की है। आगे भगवान की वेदों ने दिव्य स्तुति की है, जिसे वेद स्तुति नाम से जानते हैं। अब आगे भस्मासुर वृकासुर की कथा थी। ये वृकासुर ने भगवान शिव की तपस्या की थी। कैसी तपस्या? कि अपने अंगों को काट काट करके भगवान का यजन करता। जब सारे अंग काट के इसने शीश काटने का प्रयास किया तो महादेव प्रकट हो गए। महादेव ने कहा मैं तो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाता हूं, इतने अंग काटने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन इसने शीघ्रता की बस अपने अंग काट लिए, लेकिन महादेव ने कृपा की तो इसके अंग पुनः स्वस्थ हो गए। और महादेव ने कहा पुत्र वरदान मांग। इसने कहा कि ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। महादेव ने विचार किया चलो दे देते, इसमें क्या हानि है, कोई शक्ति ही तो मांग रहा है। लेकिन जैसे इसे वरदान प्राप्त हुआ तो माता पार्वती को देख के इसकी बुद्धि बिगड़ गई और ये महादेव के पीछे ही भागने लग गया। अब हमारे भोले बाबा तो भोले, बोले वाह कृपा की तो इसने कृपा का गलत फायदा उठा लिया और हमारे ही पीछे भागने लग गया। ये ठाकुर जी से निवेदन किया तो भगवान बटुक का रूप बना करके आए। भगवान ने कहा रुको दैत्येंद्र, कहां भागे भागे जा रहे हो। बोले अभी समय नहीं है रुकने का, बाद में आगे बात करेंगे। बोले 2 क्षण रुक जाओ, कौन सा इतना तेज वो भाग जाएंगे। बोले हाँ कहिए। बोले कहाँ भाग रहे हो, क्या बात है। इसने बताया कि मैंने तपस्या की शिव जी की और माता पार्वती को प्राप्त करने के लिए मैं शिव जी को भस्म करने के लिए भाग रहा हूँ। बोले अच्छा तुम शिव जी की बातों पर विश्वास कर लिया। बोले विश्वास क्या, वो भगवान है। बोले एक बात बताऊं, जब से दक्ष ने श्राप दिया है ना तो ना तो इनके श्राप की कोई शक्ति है ना वरदान की कोई शक्ति है।
बोले अच्छा ऐसी बात है। अच्छा आप ठाकुर जी ऐसे बोलते भी इस ढंग से है ना कि लोग विश्वास कर लेते हैं। बोले जब से दक्ष ने श्राप दिया है तब से इनके वरदान और श्राप की शक्ति नष्ट हो गई है, इसीलिए इनके श्राप की अब कोई महिमा नहीं, इनके न वरदान की कोई महिमा। बोले कैसे विश्वास मान? बोले परीक्षा कर लो। बोले कैसे? बोले अपने सिर पर हाथ रखो, भस्म हो गए तो तुम श्राप सही है नहीं तो गलत है। बोले अच्छा मैं ही मूर्ख दिखाई दे रहा हूं तुम्हें, यदि मान लो सही निकल गया तब तुम मेरा राम नाम सत्य है। बोले अच्छा सीधे थोड़ी ना भस्म हो जाओगे, जब हाथ रखोगे धीरे धीरे हाथ गर्म होगा, अग्नि प्रकट होगी, फिर जाकर भस्म हो गए ना, जैसे हाथ गर्म हो हाथ हटा ले। बोले ठीक है ये बात अच्छी गई आपकी। अब भगवान अपने वाक चातुर्य से ऐसा बोलते हैं, वाक पटुता भगवान की ऐसी है कि सब मोहित हो जाते हैं। भस्मासुर ने अपने सिर पर हाथ रखा और तुरंत जलकर भस्म हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब महादेव से भागते भागते धतूरे में जाकर छिपे थे, इसलिए महादेव को धतूरा अत्यंत प्रिय है। भगवान ने कहा भोले बाबा आप जब वरदान दिया करिए थोड़ा सोच समझ के दिया करिए, आपके वरदान आपके लिए संकट बन जाते हैं। अब इस प्रकार से भगवान ने भस्मासुर का उद्धार कराया। अब आगे ऋषियों ने विचार किया कि त्रिदेवों की परीक्षा लेनी चाहिए कौन श्रेष्ठ है, तो भृगु जी को इसके लिए भेजा। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी को न जाके इन्होंने प्रणाम किया ने स्तुति की, सीधे जाकर बैठ गए। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, लेकिन ब्रह्माड़ी जी ने समझाया। ऐसे महादेव के पास पहुंचे तो महादेव इनको हृदय से लगाने के लिए बढ़े। तो महाराज इन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप हमें हृदय से मत लगाइए, आप पवित्र अवस्था में रहते हैं, पवित्र वेश धारण करते हैं। महादेव की बड़ा क्रोध आया, लेकिन पार्वती जी ने समझाया। और वैकुंठ में पहुंचे तो सीधे जाते ही भगवान विष्णु की छाती पर एक लात मारा, लेकिन भगवान विष्णु ने तुरंत इनके चरण पकड़ लिए और इन्हें शेष आसन पर बिठाया। बोले हे विप्रराज आपके चरण अत्यंत कोमल है और मेरा हृदय अत्यंत कठोर, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं लग गई? ये सुनते ही भृगु जी रोने लग गए, रुदन करने लग गए और सीधे बिना कुछ बोले लौट आए। ऋषियों को सारी बात बताई तो ऋषियों ने कहा यद्यपि त्रिदेव तीनों देव श्रेष्ठ हैं, लेकिन भगवान विष्णु में अधिक विनम्रता है इसलिए वो श्रेष्ठ हैं। अब इसके बाद द्वारिका में एक ब्राह्मण थे, उनके बालक बार बार मर जाते थे, तो वो भगवान के पास आए, भगवान से प्रार्थना की। अर्जुन ने कहा मैं आपके बालकों की रक्षा करूंगा, लेकिन जब ये रक्षा नहीं कर पाए तो भगवान अर्जुन को लेकर गए हैं और बलि जी के वहां से इनके पुत्रों को वापस लाकर इन्हें प्रदान किया। अब आगे भगवान के गृहस्थ लीला का वर्णन आता है, इसी के साथ दशम स्कंद का यहीं पर विश्राम होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब हम सभी एकादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। भगवान ने देखा कि अब हमारे धाम गमन का समय हो रहा है और यदि मेरे धाम गमन के बाद भी ये यदुवंशी रहे तो ये इतने बलशाली हैं कि जब ये अधर्म मचाना शुरू करेंगे तो मुझे पुनः अवतार लेना पड़ेगा, इसलिए पहले इन यदुवंशियों को नष्ट करना होगा। भगवान ने इसकी भूमिका बनाई। द्वारिका के पास पिंडारक नामक क्षेत्र है, वहां पे विश्वामित्र आदि ऋषि आए हुए थे। तो भगवान के पुत्र खेलते खेलते वहां पर पहुंचे और शाम्ब जी को कन्या बना करके उनके पेट पर कपड़ा बांध दिया और ऋषियों से जाकर पूछने लग गए कि बताइए किनके पुत्र होगा या पुत्री, ये अत्यंत लज्जा के कारण नहीं पूछ पा रही, आप ही बताइए, आप लोग की दिव्य दृष्टि हो जिनके पुत्र होगा या पुत्री। ऋषि तो समझ जाते ये बच्चे मजाक कर रहे हैं, लेकिन पीछे भेज देते, बोले हमें नहीं पता पीछे जाकर पूछिए। भेजते भेजते श्री दुर्वासा जी के पास पहुंच गए। अब दुर्वासा जी का कृपालु स्वभाव, दुर्वासा जी से जब इन्होंने मजाक किया तो दुर्वासा जी ने कृपा कर दी। दुर्वासा जी ने कहा कि तुम लोग हमारे साथ मजाक करते हो, इसलिए जाओ जनिष्यति वो मंदा मूशलम कुलनाशनम, तुमने ये जो
गट्ठर बंधाया इसके पेट में। हे मंदो, तुम हमसे मजाक कर ऋषियों की परीक्षा ले रहे हो, इसलिए हे मंदो जाओ, इसके गर्भ से एक ऐसा मूसल होगा, इस गट्ठर में एक ऐसा मूसल होगा जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। अब ये घबरा गए, इन्होंने गट्ठर खोला, सही में मूसल निकला। वसुदेव जी के पास, उग्रसेन जी के पास आए। उग्रसेन जी ने कहा एक काम करो, इसे पीस करके समुद्र में फेंक दो। बोले ठीक है। अब उस मूसल को जैसे तैसे करके पीसा और चूड़ बना करके समुद्र में फेंक दिया। एक उसका टुकड़ा बच गया, उसे भी फेंक दिया। अब उस चूड़ से एरका नामक घास उत्पन्न हुई और वो जो टुकड़ा था उसे एक मछली ने ले निगल लिया। उस मछली को एक बहेली ने पकड़ा और जब उसका पेट चीरा तो वो टुकड़ा उसे मिला, तो उसने उस टुकड़े को अपने बाढ़ के अग्रभाग में लगा लिया। अब जब इनको ऐसा शाप प्राप्त हो गया महाराज, तो वसुदेव जी थोड़े चिंतित थे। तो श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ और उन्होंने नव योगेश्वर का संवाद सुनाया है, राजा निमि के साथ जो हुआ, महाराज विदेह के साथ उस नव योगेश्वर के संवाद को सुनाया है। इसका एक श्लोक ग्रहण करते, बड़ा अच्छा श्लोक है, भक्ति मार्ग के विषय में बताते हैं ये। या नास्थाय नरो राजन न प्रमादेत कर्हिचित् धावन्निमील्यवा नेत्रे न स्खलेन न पतेत। भक्ति मार्ग के विषय में कवि जी बताते हैं कैसा है भक्ति मार्ग। ये राजमार्ग है, क्यों कि इस मार्ग में आपको सावधानी से चलने की इतनी आवश्यकता नहीं। कह रहे इसमें तो धावन, आप दौड़िए, कैसे निमिल्लेवान, आंखें मूंद कर दौड़िए। तो किसी ने कहा कि जब आग बंद करके दौड़ेंगे तो गिरने का भय रहेगा। तो कह रहे न स्खलन न पते दिया, ना यहाँ फिसलने का भय है ना गिरने का भय, ऐसा भक्ति मार्ग। आगे कह रहे हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। मनसा वाचा कर्मणा, आप जो भी कर्म करें वे सब के सब कर्म, जो जो कर्म आप कर रहे हैं वे सब के सब कर्म भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। जब हम समर्पित कर देते हैं उस कर्म का फल अनंत गुना हो जाता है और वो हमारे अहंकार का वर्धन नहीं करता है। इस प्रकार से दिव्य नवयोगेश्वर संवाद के माध्यम से नारद जी ने समझाया है। अब आगे श्री उद्धव जी महाराज भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु आप सन्यासियों के रहने के विषय में हमसे बताइए। तब भगवान कहते हैं कि हे उद्धव जी, जो आपने प्रश्न हमसे किया है, इसी प्रश्न को एक बार हमारे पूर्वज महाराज यदु ने श्री दत्तात्रेय जी से किया था, तो उन्होंने जो बात कही थी वो मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने अपने 24 गुरुओं की कथा सुनाई थी। वो कहते हैं संति मे गुरवो राजन बहवो बुद्धिपाश्रिता यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तोटामी हताश्रुडो। हे राजन, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं और उनसे कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण की। कौन कौन से गुरु हैं? पृथ्वी वायु राकाशम आपो अग्निश्चंद्रमा रवहे कपो तोजगरह सिंधु पतंगो मधुकृत गजह मधुआहरिणो मीनह पिंगला कुररोर्भकह कुमारी शरकृत सर्प उड़नाभिशुपेशकृत। पृथ्वी वायु आकाश जल अग्नि चंद्रमा सूर्य कबूतर अजगर सिंधु यानी समुद्र पतंगा मधुमक्खी गज यानी हाथी शहद निकालने वाला हिरण मीन पिंगला कुरर पक्षी यानी कि चील और बालक कुवारी कन्या बाढ़ बनाने वाला सर्प मकड़ी और भृंगी कीट यानी भ्रमर। पृथ्वी से क्या शिक्षा ग्रहण की? जैसे पृथ्वी को चाहे कितना भी कोई हो दे और दिन भर हम पृथ्वी के ऊपर पादप प्रहार ही करते हैं, लेकिन उसके बाद पृथ्वी सहन करती रहती है। ऐसे ही साधक में सहनशीलता होनी चाहिए।
वायु, वायु प्राण वायु कारक है। इस कारण से साधक को उतना ही अन्न इत्यादि ग्रहण करना चाहिए जिससे उसके प्राण वायु का संरक्षण हो सके। आकाश से मैंने शिक्षा ग्रहण की, आकाश सर्वव्यापी है, ऐसे ही परमात्मा सर्वव्यापी है, साधक की ऐसी मनसा होनी चाहिए। जल निरंतर बहता रहता है, इस कारण से सदैव पवित्र है, इसलिए संत को कभी एक स्थान पे नहीं रहना चाहिए। रमता जोगी बहता पानी, इनकी महिमा राम न जाने। संत को जल के भांति निरंतर विचरण करते रहना चाहिए। अग्नि से मैंने शिक्षा ग्रहण की, अग्नि में चाहे आप अच्छी वस्तु डाली चाहे बुरी वस्तु डाली, वो सबको जला देगी, लेकिन वो स्वयं में किसी का गुण नहीं ग्रहण करेगी। ऐसे आप संगत तो सबका करिए, सबके भीतर आप ज्ञान प्रदान करिए, दुष्टों को भी करिए, अच्छे लोग उनको भी ज्ञान दीजिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि दुष्टों की दुष्टता का रंग आपके ऊपर चढ़ जाए, किसी का रंग आपके ऊपर न चढ़े, आपका रंग सबके ऊपर चढ़े। जैसे अग्नि सबको अपना रूप दे देती है लेकिन किसी का रूप स्वयं नहीं धारण करती है। इसी प्रकार से मैंने चंद्रमा से शिक्षा ग्रहण की। जैसे चंद्रमा तो एक रस रहता है लेकिन उसकी कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। हमारी आयु की कई पड़ाव होते हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, तो ये शरीर की अवस्थाएं होती हैं, लेकिन हम तो आत्मा है, हम हमेशा एक रस रहते हैं। और आगे सूर्य से हमने ये शिक्षा ग्रहण की कि जैसे सूर्य भगवान किसी में भेद नहीं करते, सब में समानता रखते हैं, ये नहीं कि कहीं कम प्रकाश दे कहीं ज्यादा प्रकाश दे, सबको समान प्रकाश देते हैं, वैसे ही संत की समान दृष्टि होनी चाहिए। आगे मैंने पिंगला से शिक्षा ग्रहण की। एक पिंगला नामक वैश्या थी, वो सुबह से ही अपने ग्राहकों की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन शाम तक उसे जब कोई ग्राहक नहीं मिले तो वो कहने लग गई, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संचिद्य कांतासाम सुखम सुष्वाप पिंगला। आशा ही दुख का कारण है, हम इस संसार से आशा करते हैं और जब हमारी आशाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो हमें दुख प्राप्त होता है। नैराश्यम परमम सुखम, निराशा में ही सुख है, इसीलिए आशा तो बस परमात्मा से रखना चाहिए, संसार से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। आगे मैंने कुवारी कन्या को अपना गुरु बनाया। एक कुवारी कन्या थी तो उसके घर पे उसे वर आए, वर पक्ष वाले उसे देखने के लिए आए, तो क्या हुआ कि कोई था नहीं उसके घर में, इसलिए उसने जलपान पहुंचाया उनके भोजन बनाने के लिए। वो जौ कूटने लगी चावल निकालने के लिए, चावल घट गया था, तो जब वो चावल कूट रही थी उसकी चूड़ियां बजने लगी, तो उसने क्या किया, जो चूड़ियां अधिक पहनी थी तो अपने हाथों में बस चार चार चूड़ियां रख दी, फिर भी चूड़ियां बजने लगी, तो उसने दो दो चूड़ियां रखी बस अपने हाथों में, फिर भी वो बजने लगी, फिर उसने अपने हाथों में बस एक एक चूड़ियां रखी तो चूड़ियां नहीं बजी। ऐसे संत को एकांत का सेवन करना चाहिए, यदि दो लोग भी होंगे तो बहुत अधिक वार्ता होगी और भजन में बाधा पहुंचेगी। आगे बाढ़ बनाने वाले से शिक्षा ग्रहण की। एक बाढ़ बनाने वाला था तो वो अपना बाढ़ बना रहा था, तभी वहां से एक राजा की सवारी निकली, लेकिन उसका ध्यान उधर नहीं गया, पीछे से कोई आया, उसने पूछा कि अब इधर से राजा की सवारी निकली है, आपको पता है वो किधर गई है? बोले, कौन से राजा की सवारी, मैं तो अपने कार्य में मग्न था। ऐसे ही संत को भगवान में मग्न हो जाना चाहिए और संसार के शुद्ध बुद्ध ना रहे। अंत में भृंगी कीट से शिक्षा ये ग्रहण करी। जैसे एक भृंगी कीट होता है तो वो जाता है किसी भी कीड़े को पकड़ कर लाता है और अपने बिल में बंद कर देता है, और वो उसके चारों तरफ हमेशा गुनगुनाता रहता है, आवाज निकालता रहता है, तो वो कीड़ा इतना भयभीत हो जाता है कि सर्वदा बस उसी भृंगी कीट का भ्रमर का चिंतन करता है, इस कारण से वो भी उस भृंगी कीट के रूप में ही हो जाता है। ऐसे ही जब हम परमात्मा का सदैव चिंतन करेंगे तो एक दिन हम भी परमात्मा के स्वरूप हो जाएंगे। इस प्रकार से भगवान ने 24 गुरुओं के माध्यम से दिव्य उपदेश दिया, आगे जाकर के हंसोपदेश के माध्यम से दिव्य वर्णन किया, भक्ति की महिमा का वर्णन किया, ध्यान योग का वर्णन किया, 18 सिद्धियों का वर्णन किया, वर्णाश्रम धर्म, ब्रह्मचर्य,
गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास धर्म का वर्णन किया, भक्ति ज्ञान कर्म तीनों मार्गों का वर्णन किया, द्रव्य देश के गुण कर्म दोषों का वर्णन किया, तत्वों की संख्या गिनाई है, भिक्षु गीत के माध्यम से वैराग्य का उपदेश किया, प्रकृति का वर्णन किया, त्रिगुण के वृत्तियों का वर्णन किया, एल गीत का वर्णन किया और भगवान के समस्त आयुध और अष्ट प्रकार की मूर्तियों का परमार्थ का निरूपण करके अंत में भगवान ने कहा कि हे उद्धव जी, अब मेरे जाने के पश्चात 7 दिन के बाद ये द्वारिका पूरी डूब जाएगी, इसलिए आप बद्रिक आश्रम जाइए और बद्रिक आश्रम में जा करके आप मेरी उपासना करिएगा और ये यदुवंशी आपस में लड़ भिड़ कर मर जाएंगे। तब महाराज जी सबके सब प्रभाषक क्षेत्र में आए हैं, आपस में युद्ध हुआ यदुवंशियों में, वारूड़ी मदिरा का पान की आपस में युद्ध हुआ, इनमें शस्त्र जब घट गए तो वही एर का घास उखाड़ कर मारने लग गए, तो यदुवंशी जैसे उस घास का स्पर्श करते वो वज्र के समान घास हो जाती, सबके सब यदुवंशी आपस में लड़ भिड़ के मर गए। दाऊ जी ने अपने स्वरूप का त्याग किया और शेष रूप से क्षीर सागर में पहुंच गए और इसके बाद भगवान ने भी उद्धव जी को विदा किया और उद्धव जी को विदा करके भगवान भी एक रूप से भागवत जी में प्रवेश किए हैं और दूसरे रूप से भगवान वैकुंठ को चले गए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से एकादश स्कंद का यही विश्राम हुआ। इस एकादश स्कंद को मुक्ति स्कंद कहते हैं, यदि स्वतंत्र चर्चा हो तो बड़े दिव्य उपदेश है इसमें। द्वादश स्कंद में सुखदेव जी महाराज प्रवेश करते हैं, कलयुग के धर्मों का वर्णन करते हैं, कलयुग के राजाओं का वर्णन करते हैं। इसके पश्चात 4 प्रकार के प्रलयों के विषय में बताते हैं, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, नित्य प्रलय और आत्यंतिक प्रलय, और इस प्रकार दिव्य उपदेश करके अंत में महाराज परीक्षित को अंतिम उपदेश देते हैं। क्या कहते हैं? तुम तु राजन मरिष्यति पशुबुद्धे मिमां जहे न जातः प्रागभूतोद्य देहवत्त्वं ननंक्षसि। राजन मैं मर जाऊंगा, इस प्रकार की पशु बुद्धि का आप इसी समय त्याग कर दीजिए, क्योंकि आप तो आत्मा हैं, आपकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। मरता तो ये शरीर है, एक के बाद दूसरा मिलता ही है, लेकिन आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। और यदि आपके हृदय में अभी भी कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है, तो आप पूछिए। आप ये बिल्कुल भी चिंता मत करिए कि बीच में आकर तक्षक नाग मुझे दंशित करेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि जब तक मैं आपको कथा सुना रहा हूं तक्षक नाग की ऐसी सामर्थ्य नहीं कि वो आपको मृत्यु दे सके। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी के इन वचनों को सुनकर के निवेदन करने लग गए, सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरि। हे गुरुदेव, आज आपकी कृपा से मैं सिद्ध हो गया, आपने कृपा पूर्वक मुझ दीन पर कृपा की और कहा मैं पतन की ओर जा रहा था, आपने कृपा पूर्वक मेरा उद्धार कर दिया। गुरुदेव मृत्यु का तो भय नहीं है, अब सामने बस प्रिया प्रियतम का दर्शन हो रहा है, सामने दिखाई पड़ रहा है कि अब मैं वैकुंठ की ओर ही जाऊंगा, ये पूरा विश्वास है। आपने कृपा पूर्वक मुझे बहुत कृपा की कथा सुनाई। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज को परीक्षित जी ने प्रणाम किया है, पूजन किया है, सुखदेव जी महाराज उठे और वहां से चल दिए। परीक्षित जी ने ध्यान लगाया और ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से अपने शरीर का त्याग कर दिया और इसके बाद श्री परीक्षित जी महाराज का बस शरीर शरीर ही बचा है। तक्षक नाग आया है, तक्षक नाग ने अपने विष की अग्नि प्रकट की और विष की अग्नि के द्वारा इनके शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। गंगा जी की एक लहर आई है और श्री परीक्षित जी के राग को लेकर अपने अंदर समाहित कर लिया। जब ये तक्षक नाग आ रहा था, कश्यप नाम के ब्राह्मण थे, तो उन कश्यप नाम के ब्राह्मण ने ये विचार किया कि जब तक्षक नाग इन्हें डसेगा तो मैं पुनः महाराज परीक्षित को जीवित कर दूंगा, लेकिन तक्षक ने एक छल से
उनका भी वध कर दिया और इस कारण से उनका भी उद्धार हो गया। अब आगे श्री परीक्षित जी महाराज का जब धाम गमन हो गया, जनमेजय जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने सर्प यज्ञ प्रारंभ किया और सर्प यज्ञ के माध्यम से सर्पों को नष्ट करने लग गए। तब इन्हें समझा बुझाकर रोका गया है कि देखिए परीक्षित जी का तो कल्याण हुआ, आप क्यों सर्पों की हिंसा किए जा रहे हैं। तब इसके बाद इन्होंने प्रायश्चित किया है और आगे भगवान ने मार्कंडेय जी को प्रलय दर्शन कराया है। इसके बाद अब भागवत जी की विषयानुक्रमणिका है। जिसने भी किसी भी कारणवश कथा 7 दिवस पर्यंत नहीं सुनी हो, ध्यान पूर्वक इस विषयानुक्रमणिका को सुने, क्योंकि इसको सुनने मात्र से सप्ताह श्रवण का फल प्राप्त होता है। सूत जी महाराज कहते हैं, नमो धर्माय महते, नमः कृष्णाय वेधसे, ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनं। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम है, धर्म पुरुष भगवान को, ब्राह्मणों को नमस्कार है जो सनातन धर्म के वक्ष। अब विषयानुक्रमणिका बताते हैं। सर्वप्रथम हमने पद्म पुराणात्मक महात्म्य में सच्चिदानंद भगवान की वंदना की, फिर उसके पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना की। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जो जो कथा सुनिए उसका पुनः आप लोग चिंतन करिएगा, इससे आप लोग कथा भी स्मरण में आ जाएगी और बाद में चिंतन का अवसर भी मिलेगा आपको। फिर ऋषियों ने प्रश्न किए हैं, ऋषियों के प्रश्न के समाधान में देवताओं की अमृत वाली कथा सुनाई है सूत जी ने, और ज्ञान वैराग्य और भक्ति जी की कथा सुनाई है, श्री गोकर्ण जी और धुंधकारी जी की कथा सुनाई है, फिर षष्ठम अध्याय में भागवत जी की श्रवण विधि सुनाई है, पुनः प्रथम स्कंद में भगवान के सत्य स्वरूप की वंदना की है, भागवत जी के विषय में बताया है, ऋषियों के 6 प्रश्न, प्रश्न के समाधान में सूत जी ने अपने गुरुदेव की वंदना की और इनके प्रश्नों का समाधान किया, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया, भागवत जी की रचना कब कैसे हुई वो सुनाया, अमर कथा का हमने श्रवण किया, सुखदेव जी की जन्म कथा का श्रवण किया, इसके बाद श्री नारद जी का चरित्र श्रवण किया, नारद जी का पूर्व चरित्र श्रवण किया, और नारद जी का पूर्व चरित्र श्रवण करने के बाद हमने आगे भागवत जी की रचना की कथा श्रवण की और महाभारत की कथा श्रवण की। महाभारत की कथा में दिव्य कुंती बुआ की स्तुति, श्री उत्तरा जी की स्तुति, पितामह भीष्म की स्तुति, इसके पश्चात पांडवों का धाम गमन, परीक्षित जी महाराज का मृगया और पुनः इन्हें श्राप लगना, गंगा जी का आगमन और गंगा जी पर आगमन के पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन और सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी के प्रश्न, इसी के साथ प्रथम स्कंद का विश्राम हुआ था। द्वितीय स्कंद में हमने सुखदेव जी के समाधान सुने, सुखदेव जी ने ध्यान योग की विधि बताई, ध्यान योग की विधि बताने के पश्चात सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण किया, सृष्टि का वर्णन किया है, चतुश्लोकी भागवत जी का वर्णन किया, भागवत जी के 10 लक्षण बताए हैं, इसी के साथ द्वितीय स्कंद का विश्राम हुआ। तृतीय स्कंद में हमने श्रवण किया, श्री विदुर जी के चरित्र को श्रवण किया, श्री मैत्री जी और विदुर जी के संवाद में श्री जय और विजय की कथा को श्रवण किया, श्राप की कथा सुनी है, हिरण्याक्ष के वध की कथा श्रवण की, माता देवहूति और कपिल जी के संवाद को श्रवण किया। चतुर्थ स्कंद में हमने माता सती का चरित्र श्रवण किया, ध्रुव जी का चरित्र श्रवण किया, वेन का चरित्र, पृथ्वी जी का चरित्र, प्राचीन वर्ही प्रचेताओं का चरित्र। पंचम स्कंद में हमने प्रियव्रत जी का चरित्र श्रवण किया और उसमें हमने भूगोल खगोल आदि का वर्णन सुना, सप्त द्वीपों सप्त समुद्रों का वर्णन सुना, श्री भरत जी के चरित्र को श्रवण किया, ऋषभ देव जी के चरित्र को, भरत जी के चरित्र को, भरत जी ऋषभ देव जी के उपदेश को, भरत जी के 3 जन्मों को श्रवण किया, फिर अंत में नरकों का वर्णन सुना, षष्ठम स्कंद में अजामिल उपाख्यान, फिर उसके पश्चात हमने वृत्र जी की कथा सुनी, उनका पूर्व चरित्र सुना, सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी की कथा, वर्णाश्रम धर्म और पुंसवन व्रत की कथा सुनी, पुंसवन व्रत की कथा पूर्व में सुनी और मरुद्गढ़ की कथा सुनी। अष्टम स्कंद में हमने
गजग्राह की कथा सुनी है, अन्य मनवंतरों की कथा सुनी है, गजग्राह की कथा सुनी, समुद्र मंथन की कथा सुनी, देवासुर संग्राम, तत्पश्चात श्री वामन भगवान का अवतार हुआ। वामन भगवान ने बलि से तीनों लोगों का राज्य छीना और तीनों लोगों का राज्य छीन करके देवताओं को प्रदान किया। श्री बलि जी के ऊपर कृपा हुई है। भगवान के मत्स्य अवतार की कथा श्रवण की। नवम स्कंद में हमने दिव्य सूर्य वंश का वर्णन सुना, इसी वंश में हमने भगवान श्री राम का अवतार सुना, चंद्र वंश का वर्णन सुना, चंद्र वंश में दुष्यंत शकुंतला जी के भरत जी हुए हैं, और फिर इसी वंश में आगे चल करके पांडव हुए हैं, कौरव हुए हैं, और इसी वंश में भगवान का भी अवतार हुआ है। और दसम स्कंद में हमने पूर्व में सबसे पहले पृथ्वी का भगवान से निवेदन, भगवान की आकाशवाणी, आकाशवाणी के पश्चात हमने श्रवण किया कि भगवान मैया देवकी विवाह की कथा श्रवण की, छह पुत्रों का वध श्रवण किया, भगवान की गर्भ स्थिति श्रवण की, फिर उसके बाद भगवान की जन्म कथा, दिव्य नंद महोत्सव का आनंद लिया, पूतना आदि का भगवान ने वध किया, भगवान की दिव्य दिव्य मधुरमयी बाल लीलाओं का श्रवण किया, फिर गिरिराज जी के धारण की लीला सुनी, और पुनः हमने दिव्य रास पंचाध्यायी का वर्णन सुना, भगवान का मथुरा आगमन और मथुरा में कंस का वध, जरासंध आदि का उद्धार, जरासंध को पराजित करना, पुनः द्वारिकापुरी का निर्माण करना, और उद्धव गोपी संवाद भी श्रवण किया। द्वारिका में भगवान का रेवती जी से बलराम जी का विवाह हुआ, भगवान का रुक्मिणी जी से विवाह हुआ। आज की कथा में हमने भगवान के 16,108 विवाहों की कथा सुनी। इसके पश्चात हमने भगवान के पुत्रों की कथा सुनी कि उनके कैसे विवाह हुए, भगवान की गृहस्थ लीला का वर्णन सुना, सुदामा जी का दिव्य चरित्र सुना, भगवान के गृहस्थ धर्म का वर्णन सुना। इसके पश्चात एकादश स्कंद में दिव्य हमने यदुवंशियों को श्राप की कथा श्रवण की है, नव योगेश्वर संवाद, हंसोपदेश और अन्य जितने भी उपदेश है उन्हें श्रवण किया, और फिर द्वादश स्कंद में हमने कलयुग के धर्मों का वर्णन, कलयुग के राजाओं का वर्णन सुना, सुखदेव जी का अंतिम उपदेश, और इतना विषय हमने 7 दिनों में श्रवण किया। देखिए कथा हमने जो श्रवण की है, हमारी कथा विश्राम की ओर है, बस थोड़ी देर में विश्राम हो रही है कथा। कथा को विश्राम करने से पूर्व एक निवेदन करूंगा मैं आपसे। हमने भी यहाँ पर बैठ कर 4-5 घंटे आपको कथा सुनाई, आपने भी बड़े भाव से कथा सुनाई, लेकिन इस कथा को सुनने का फल क्या है? जिन चरित्रों को हमने सुना है, जिन भक्त चरित्रों को, भक्तों की साधनाओं को हमने सुना है, उन पे जब हम चिंतन करें तब जाकर के तो ये सार्थक है। और यदि चिंतन नहीं करते हैं, उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, तो हमारा कथा कहना व्यर्थ हो गया और आपका सुनना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए अवश्य आप इस कथा का चिंतन करिए। अब विश्राम की ओर कथा चल रही है। सूत जी महाराज वंदना करते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः सुन्वन्ति देवैस्तवैर् वेदहि सांग पदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जिन भगवान की ब्रह्मादिक वरुणादिक देवता वंदना करते हैं, दिव्य दिव्य स्तुतियों से वंदना करते हैं, वेद जन दिव्य दिव्य स्तोत्रों के द्वारा जिन भगवान की वंदना करते हैं, जिनका न अंत है न जिनका आदि है, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। अब सूत जी महाराज भागवत जी की महिमा बता रहे हैं। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदं तथा क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी हनुत्तमा तथा पुराण व्रातानाम श्रीमद्भागवतं व्रजा। जैसे बहने वालों में माता गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत भगवान श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में जैसे महादेव श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद्भागवत जी श्रेष्ठ हैं,
क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, वैसे ही श्रीमद् भागवत जी समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत जी वैष्णवों की परम प्रिया हैं, परमहंसों की परम धन हैं, और इनका गायन करते हैं परमहंस जन। ये ज्ञान वैराग्य और भक्ति प्रदान करने वाले हैं। भला कौन ऐसा होगा जो इन भागवत जी का आश्रय नहीं लेगा। अब भागवत जी के अंत के दो श्लोकों का हम उच्चारण करेंगे, यदि संभव हो तो धीरे धीरे ही करेंगे, तो आप सभी भी साथ में श्लोकों का उच्चारण करिएगा, क्योंकि हमने जो कथा सुनी उसका सारे इन श्लोकों में ही है। एक एक पंक्ति हम बोलते जाएंगे, इसके पश्चात आप सभी बड़े भाव के साथ उन पंक्तियों का दोहराइएगा। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेशम्, तथा कुरुष्व देवेशम्, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनम् यस्य, नाम संकीर्तनम् यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम्, सर्व पाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्, नाम संकीर्तनम् यस्य, नाम संकीर्तनम् यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम्, सर्व पाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्, नाम संकीर्तनम् यस्य, नाम संकीर्तनम् यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम्, सर्व पाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। इन श्लोकों का जो हमने उच्चारण किया, इनका भाव क्या है? हे प्रभु, बारंबार जब जब हमें जन्म प्राप्त हो, तब तब आपके श्री चरणों की भक्ति हमें प्राप्त होती रहे प्रभु। चाहे जिस भी अवस्था में रहे, हम आपका ही चिंतन करते रहे प्रभु। और अंत में तीन बार जिस श्लोकों का उच्चारण कराया, क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम्, जिन भगवान का नाम संकीर्तन समस्त पापों का नाश करने वाला है, जिनका नमस्कार समस्त दुखों का शमन करने वाला है, ऐसे भगवान श्री हरि को हम सभी नमस्कार करते हैं। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादश साहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कंधे त्रयोदश अध्यायः स्वस्तिः द्वादशः स्कन्धः सम्पूर्णः। यदि सम्पूर्णयोऽयं ग्रन्थः त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्री कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवे तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः। श्रीराधा कृष्णार्पणमस्तु। अंत में अपनी वाणी को विश्राम देने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन आप सभी से। कहते हैं कि जब कोई भी आपको ज्ञान प्रदान करे, कोई आपको कथा सुनाने आए, तो
तो उसे कुछ ना कुछ दक्षिणा में अवश्य देना चाहिए। तो आज हम भी आपसे एक चीज मांग लेते हैं, आपने हमसे इतने दिनों तक कथा सुनी, तो एक वचन मांगते हैं हम आप सभी से कि आज आपने इस सप्ताह यज्ञ में भागिता ग्रहण करी है, तो इस सप्ताह यज्ञ में आप अपने एक अवगुण का त्याग करिए। अपने अवगुणों का त्याग करके एक अच्छे गुण को, भजन करने की प्रेरणा को, 7 दिनों तक भागवत जी हमसे बारंबार, स्वयं भगवान बारंबार ये कहते आए हैं कि देखो ये मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है, भजन में लग जाओ। तो आप लोग हमें यही वचन दीजिए कि आज से आप लोग एक नियम ग्रहण करेंगे कि कम से कम आप नित्य अपने आराध्य के नाम की एक माला अवश्य जपेंगे। हाथ उठा ले कौन कौन मुझे वचन दे रहा है, 2 मिनट नीचे रखिए, आप लोग हाथ नीचे रख लीजिए। अभी ये वचन तब दीजिएगा जब इस वचन का पालन कर पाए, क्योंकि आपके सामने श्री भागवत जी विराजमान है, श्री लड्डू गोपाल राधा रानी सरकार विराजमान है। यदि आप मिथ्या भाषण करेंगे तो आप इनके सामने कर रहे हैं। अब विचार करके बोलिए ये नियम कौन कौन अपनाएगा। मैं तो पहले उठा लेता हूँ, संख्या कम हो गई ना। देखिए कथा सुन रहे हैं, कल्याण नाम जपने ही है, इसलिए ये वचन आप सभी स्वयं से करिए कि हम अपने जीवन को इसी जीवन में अपना कल्याण कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद न जाने ये जीवन मिले ना मिले, तो इतनी तैयारी तो हम कर ही लेना कि सामने मृत्यु खड़ी हो और उसके बाद भी हृदय में भय ना सताए कि हमने गलत काम किया है, हमारी ऊपर की तैयारी नहीं है। बस इतना नाम जप करी, ज्यादा नहीं करना है कि सामने आपकी मृत्यु खड़ी हो, काल स्वयं खड़े हो और आप निर्भीक होकर सीना तान के खड़े हो जाएं। हमें कोई भय ही नहीं है, हमने अपने ऊपर की तैयारी की। ये विश्वास जिस दिन आ गया उस दिन समझ लीजिए हमारा मानव जीवन पाना सार्थक हो गया। 7 दिनों में सभी ने बहुत सहयोग किया, ये कथा बस एक किसी के करने से नहीं हो सकती। मैं विचार करूं कि ये मैंने ही बस कथा करी तो ये गलत है, सबने सहयोग किया। जैसे रथ होता है, रथ में पहियों की अपनी अलग भूमिका होती है, घोड़ों की अलग भूमिका होती है, रस्सी की अलग भूमिका होती है, सारथी की अलग भूमिका होती है। रथी तभी श्रेष्ठ हो सकता है जब उसके पास श्रेष्ठ रथ है। तो इस भागवत रूपी रथ में, ये भागवत रूपी रथ दूर दूर तक जाए, आवाज जाए, तो साउंड की सेवा दे करके हमारे भैया लोगों ने इसमें अश्वों का काम किया है। और कथा में निद्रा देवी आती हैं तो ये कथा बराबर चल पाए, तो निद्रा देवी ना आए तो सुंदर सुंदर भजनों के माध्यम से हमारे संगीत वाले भैया लोगों ने आपको दिव्य भगवान के नामों को सुनाया। जैसे पहिए ना हो रथ में तो वो रथ नहीं चल सकता, तो इन्होंने उस पहियों का भूमिका निभाई। और हमारे आचार्य जी हमारे गुरु रूप भी हैं ये, इन्होंने भी बड़ी विशेष भूमिका निभाई, इन्होंने सारथी की भूमिका निभाई, एक अभिभावक के रूप में बने रहे और सारथी के रूप में इस पूरे रथ को आगे बढ़ाए हैं। तो ये 7 दिनों तक निर्विघ्नता पूर्वक जो ये कथा हुई है इसमें सभी का साथ रहा, और विशेष करके हमारे हनुमंत लाल ऊपर विराजमान हैं उनकी कृपा रही, तो आज ये कथा विश्राम हुई। बड़ी प्रसन्नता की बात है, सबने बड़े भाव से कथा सुनी, और मेरी यही आशा है कि आप सभी इस कथा को अपने जीवन में उतारेंगे और प्रभु के नाम जपने लगेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को और कथा को विश्राम देता हूँ। सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। हेलो हेलो, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज कथा का विराम दिवस है, पूज्य व्यास जी महाराज के मुखारविंद से आप सब लोगों ने निरंतर 7 दिनों से सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन किया। अब सभी लोग एक एक क्रम करके पूज्य व्यास जी महाराज को प्रणाम करेंगे, उनका पूजन करेंगे, उनके द्वारा प्रसाद लेंगे।
और उसके उपरांत आरती प्रसाद लेके ही अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे। आपको पुनः एक बार बताते हैं कि हमसे, हमारे पूज्य व्यास जी से, हमारे साथ आए हुए कलाकारों से कोई भी गलती हुई हो बोलने में, किसी वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, शरीर के द्वारा, तो आप सभी लोगों से हम हाथ जोड़ करके क्षमा की याचना करते हैं कि आप सब लोग हमको बालक समझ करके माफ कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं और कुछ हमारे भैया जो म्यूजिक यानी संगीतकार हैं वो आपको एक सुंदर भजन श्रवण कराएंगे, उसी में सभी लोग पूज्य व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे। इसके बाद हम सब लोग आरती की ओर अग्रसर होंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हले श्री राधे। आइए, हमारी पूज्य व्यास जी महाराज ने हम सभी को इतनी सुंदर भागवत कथा 7 दिन तक श्रवण कराई है, तो एक भजन के माध्यम से उनका धन्यवाद करते हैं। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, ओ हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। का प्याला जा रहे थे हम की गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम की गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम की गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम की गाला, हम लेकर विष का प्याला झुका यही गावे, हम पार तेरा क्या पावे,
बस सीछ झुका यही गावे राजा पावे बस सीछ झुका यही गावे गोविंद मिलाने वाले गोपाल मिलाने वाले बोला को प्रणाम तुम बोला को प्रणाम हर की कथा सुनाने भागवत महापुराण की आरती करेंगे। ज्वाला मालिन्ये नमः रत्ने सूर्ये नमः गंधाद्रुम संपूजयेत ओम चंद्रमा मनसो जास्तचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखाद्ग्निरजायत आरती पावन पुराणी की आरती पावन पुराणी की धर्म भक्ति में ज्ञान खानी की धर्म भक्ति में ज्ञान ओ महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख बिगल तो निगम कल्प फल सुखमुख बिगल तो निगम कल्प फल परमानंद सुधार सुमे फल परमानंद सुधार सुमे फल नीला रति रस 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 की हृदय रसी रास विलासिनी
की धर्म भक्ति में ज्ञान कामी की आरती अति पावन पुराणी की धर्म भक्ति में ज्ञान कामी की आरती अति पावन पुराणी की त्रिपुरी गौरम करुणावतारम अंगानी सारम भुजगे त्रिहारम सदा वचन दम हृदय बिंदे आरार्थेर्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवंदनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम् अथ मंत्र पुष्पांजलि ओम जजने नजनमय जंत देवस्तधर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहना कम महिमानाश्चन्त जत्र पूर्वे